ओके okay. तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर से. देखो समर भैया जरा इधर देखो नीचे. नीचे से अमर की आवाज आई. अमर कौन था? भाई था. ठीक है, किसका भाई था? समर का भाई था, छोटा भाई, क्योंकि एक ही इसका बड़ा भाई था धीरज. समर भैया जरा इधर देखो, नीचे से अमर की आवाज आई. वह भाई साहब की साइकिल साफ कर रहा था. माने जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा था, जो बड़े भाई है धीरज उनकी साइकिल साफ कर रहा था और अपने समर भैया को बुला रहा था कि आप जल्दी से नीचे आओ. झाक कर देखा चौक के दरवाजे में दो स्वयं सेवक खड़े थे. स्वयं सेवक वॉलेंटियर्स के लिए यूज होता है, जो वर्ड है वो वॉलेंटियर के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वो ऊपर से ही झांका नीचे की तरफ तो क्या देखा कि दो लोग खड़े थे. कितने लोग? दो जन थे, दो वॉलेंटियर्स, स्वयं सेवक. नीचे आया, फिर वो ऊपर से नीचे आ गया. कई दिन से आप आ नहीं रहे हैं, हमने सोचा कुछ तबियत डॉट डॉट डॉट. मतलब जो दो लोग आए थे देखने के लिए वो लोग क्या बोले कि हम लोग नोटिस करें कि आप बहुत दिन से आ नहीं रहे हैं. अब कहाँ नहीं आ रहे कौन बोल पाएगा? फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है. शाखा शाखा, वेरी गुड, चलो सबको याद है. तो वो शाखा नहीं जा रहा था. और क्यों नहीं जा रहा था? ऑब्वियसली उसको डर, शादी का डर. शादी का डर, शादी का डर मतलब क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेरी शादी हो गई, ब्ला ब्ला थिंग्स. इसीलिए तो यहाँ पे वहां के लोग ही आए थे कि आप लोग आ नहीं रहे हो ऐसे करके. ठीक है, और उन लोग क्या सोचे, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं हो. सुबह इधर मैंने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था. मैंने पहले शादी से पहले क्या किया था, एक्सरसाइज ये सब करूंगा, फिट रहूंगा, इसीलिए शाखा कोई ब्रांच में जाना स्टार्ट कर दिया था किसी जगह पर. संध्या को बौद्धिक जाता था और इवनिंग के टाइम पे कहाँ जाता था, इसका रूटीन हो गया था, बौद्धिक प्लेस में जाता था. शादी और अपने मानसिक उद्वेलन के कारण जाने को मन में नहीं हुआ. माने आफ्टरवर्ड्स वो क्यों नहीं गया, क्योंकि एक तो शादी का टेंशन उसका और साथ ही साथ उसका मेंटली बहुत प्रेशर चल रहा था. मेंटली वो बहुत टॉर्चर या प्रेशर फील कर रहा था, इसलिए भी उसका मन ही नहीं किया. यहाँ पे जो है ना उद्वेलन, माने मन ही मन कुछ चल रहा था, दिमाग में उलझन चल रही थी, इसीलिए. बड़ी मुश्किल से उन्हें लौटाया और निहायत उदास पाव घिसटता हुआ लौट आया. माने वो बात नहीं करना चाहता था अपने वो दो स्वयं सेवक थे, क्या स्वयं सेवक से, इसीलिए जैसे तैसे उनको भगा दिया और क्या किया, उन्हें लौटाया और निहायत उदास पाव घिसटता हुआ लौट आया और अपने रूम में या अपने घर पे वापस आ गया और उदास भाव में आया. अगर क्वेश्चन आएगा कैसे आया तो ही वॉज वेरी सैड, उदास था. नेक्स्ट, ये लोग फिर आएंगे यह आशंका ही अब डराने लगी. सोचो इसको लोगों से डर लगने लग गया था, इसको किसी से मिलना नहीं था, ये लोग वापस आएंगे, ऐसे ही वॉलेंटियर्स, ऐसे ही फ्रेंड्स, इसको अभी से डर लग रहा था उन लोगों का. सचमुच एक तूफान की तरह वह आई और लहर की तरह चली गई. मैं बोली ना वो अपने मायके जा रही थी, देखो यहाँ पे वहीं से स्टार्ट किए कि वो एक तूफान की तरह आई और वापस भी चली गई. कहाँ चली गई? अपने मायके. लेकिन घर में चली आती एक स्वाभाविक गति को जैसे किसी ने पकड़कर बुरी तरह झंझोर डाला. माने स्वाभाविक गति माने क्या, अपने सबके घर में एक नॉर्मल स्पीड से सारी चीजें होती है, नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल स्पीड से, बट वहीं कोई अनजान अपने घर पे आ जाता है तो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, isn't it? कुछ ना कुछ, कोई भी रिलेटिव आए या कुछ ना कोई भी आए. यहाँ पे तो एक बहू आई थी तो ऑब्वियसली उसको लग रहा था कि एक औरत आई और लाइफ में माने चली तो गई है बट लाइफ में सबको हिला के चली गई, एज इफ कोई तूफान आते हैं सबको शेक कर देते हैं. अपना वो आया था ना, क्या साइक्लोन आया था, देखे थे क्या हालत हुआ था, समथिंग आप लोग वैसे भी ले सकते हो, राइट? तो क्या हालत करके गया था वैसे भी आप लोग सोच सकते हो. नेक्स्ट, स्वाभाविक इज नॉर्मली जो गति से चलता है उस चीज के लिए था. लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होकर चुकी है और उसके वास्तविक प्रभाव को सही रूप से आंक पाने में अभी मन असमर्थ है. वो सोचो उसको नेचुरल डिजास्टर बोल रहा है लड़की को, ऐसे लग रहा है कोई डिजास्टर आके चली गई है और अभी उसने कितना हमें लॉस कराया है या उसके कारण कितनी हानि हुई है हमें, उसको मैं नाप नहीं पा रहा हूं, अभी मैं नाप तोल नहीं पा रहा हूं. ये जो वर्ड है ना,
आप पाने माने उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, आप पाने का मतलब वो है, ठीक है। असमर्थ माने मैं समर्थ नहीं हूं, मैं निकाल नहीं पा रहा। मैं तो कहता हूं एक मुसीबत आई और चली गई, बार बार अपनी बीवी को क्या वर्ड दे रहे हैं, मुसीबत, याद रखना बार बार ये वर्ड दे रहे हैं मुसीबत। ठीक तो कहा किसी ने, दूर से पहाड़ी जैसे बड़ी और भयंकर दिखाई पड़ने वाली मुसीबत चाहे जितनी विशाल और विराट क्यों ना हो, क्यों ना दिखाई दे, निकट आने पर उसमें कहीं ना कहीं पगडंडिया और रास्ते निकल ही जाते हैं। अपने लाइफ में तुम लोग भी देखे होंगे, जैसे अभी बोर्ड्स एक लग रहा होगा कि मुसीबत आ रही है, मुसीबत आ रही है, बट जैसे वो आ जाएगी और तुम लोग एग्जाम देना शुरू कर दोगे तो इतना डरावना नहीं लगेगा जितना अभी तुम लोग को वो लग रहा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि मुसीबत को पहाड़ के हिसाब से बोला है कि मुसीबत दूर से चाहे जितनी भी डरावनी लगे बट जब वो पास आती है तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता हमें मिल ही जाता है। पगडंडिया भी माने रास्ते के लिए ही है कि कहीं नैरो रास्ता मिल जाता है उस पे हम लोग चल लेते हैं, जंगल वंगल टाइप से रास्ता निकल जाता है, पगडंडिया। एक बार अम्मा ने किसी से कहा, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। पहले के जमाने का हालत, लॉस किसका होता था, लड़की का। अगर शादी हो भी जाए, लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो लड़कों को कोई कमी नहीं होती थी लड़कियों की, और दूसरी शादी करवाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आता था। इसीलिए समर की माँ क्या बोल रही है, अगर लड़का और लड़की में नहीं पट रहा है तो लड़की का क्या करा दिया जाएगा, दूसरी शादी करा दी जाएगी। अपने लड़कों को क्या कमी है लड़कियों की, देख रहे हो वर्ड, लड़कों को क्या कमी है लड़कियों की। माने पहले के जमाने में लड़की लोग को एक तरीके से नीचे डिपेंडेंट माना जाता था, इसीलिए चीज बोल रहा हूँ। बट एक लड़की ही दूसरे लड़की के लिए क्यों ऐसा बोलेगी, क्योंकि उस टाइम ये होता था कि सपोज समर की माँ भी सफर की थी अपने टाइम में, ठीक है, बीइंग अ गर्ल उन्होंने भी बहुत सारी चीज देखा। तो उस समय क्या होता है, अगर मैं सफर की हूं तो बाकी क्यों ना सफर करे, लॉजिक समझ रहे हो। उस समय ये नहीं रहता था कि मैंने सफर किया है तो मैं प्रोटेक्ट करूं, बल्कि उस समय ये थिंकिंग रहता था कि मैंने सफर किया तो दूसरी को भी सफर करने दो। इसीलिए पहले के जमाने की सास लोग, ननंद लोग टॉर्चर करती थी, ननंद अपने घर पे टॉर्चर होके आती थी, ननंद सिस्टर इन लॉ टॉर्चर होकर आती थी और अपनी भाभी को करती थी, क्यों, यही चीज दिखाने के लिए कि मैंने सहा है तो तुम भी सहो। इसीलिए बहुत गंदी तरीके की मानसिकता थी पहले, बट अब क्या है, लोग समझते हैं एक दूसरे का हाल कि भाई मैं सफर कर रही हूं तो मैं दूसरों को बचा लूं, उसको रोकूं, उसको कुछ होने ना दूं। जैसे यहाँ पे जो ननंद है, क्या नाम है, मुन्नी, शी इज गुड, देखे वो अपनी भाभी का समझ रही है, वो गलत का सपोर्ट नहीं कर रही है। और इस चैप्टर में हम लोग मुन्नी का भी दशा देखेंगे कि मुन्नी के साथ आखिर हुआ क्या था ऐसा। फिर क्या है, हाँ ये तो हो गया, सुनकर मैंने शायद जिंदगी में पहली या दूसरी बार जोर से डांट दिया। माने ये अपनी माँ को कभी नहीं डांटता था, अच्छा बच्चा है। और ये सुनकर माने ये जब लाइन सुना कि लड़की के लड़का का और शादी करा देंगे, तो वो अपनी माँ को फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम होगा ऐसा कि वो डांटा, क्या बोला, एक शादी नहीं निहाल कर दिया, अब मुझे पढ़ लेने दो। वह फिर कुछ नहीं बोली, भीतर कहीं यह विश्वास है कि चाहे आज ना बोलूं, दो महीने, चार महीने, साल दो साल ना बोलूं, लेकिन है तो वह मेरी ही पत्नी। देख रहे हो वर्ड यहाँ पे मेन, माने कहीं ना कहीं अंदर लड़के के एक्सेप्टेंस है, उसने एक्सेप्ट किया है कि चाहे मैं आज ना बोलूं, टाइम भर ना बोलूं, बट आखिर वो क्या है, मेरी पत्नी है। और अंदर ही अंदर उसके ये भी चल रहा था कि माने उसकी माँ लोग थी ना, दूसरी शादी कर लो और समथिंग, तो अंदर ही अंदर ये भी था कि एक शादी तो मैं निभा नहीं पा रहा, आप लोग सेकंड में चले जा रहे हो, ऐसा भी उसके अंदर ये फीलिंग था। माने वो फर्स्ट वाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था, इन शॉर्ट। फिर क्या है, अब जब दोनों के भाग्य बांध दिए गए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही, होता है ना, देखो एक्सेप्टेंस आ रहा है कि जब दोनों साथ में आ गए हैं, चाहे वो मेरी पसंद की हो या ना हो, हम लोग के भाग्य, हमारी किस्मत जुड़ गए हैं तो हमें साथ तो निभाना ही पड़ेगा। मेरी जिद के कारण पहले से कोई सौदा ना किया जा सका और जितनी उम्मीद थी उतना मिला नहीं, इसलिए अम्मा अक्सर ही कहती, कहे क्या चंदन, शादी के तो सारे हौसले मर ही गए। चंदन मामा जी का नाम है, हु इज चंदन, आ सकते हैं क्वेश्चन, मामा जी, ठीक है, किसके मामा जी, माने अम्मा के भाई का नाम है। और इनकी शादी पता है किसने कराई, इन्होंने ही कराई,
होता है ना अरेंज मैरिज में, कोई बीच में मीडिएटर होता है जो शादी कराता है, तो यहाँ पे लड़के के मामा जी ने शादी कराई थी जिसका नाम है चंदन। अब देखो अम्मा उसको क्या ताना देती है, उन्होंने ही शादी कराई थी वे ताने से कसती, पढ़ी लड़की पढ़ी लिखी लड़की के सिवा तूने कुछ और भी देखा? बस माने दे ऑल नो लड़की पढ़ी लिखी है, बट यहाँ पे ये पूछ रहे कि और कुछ क्यों नहीं देखा, और कुछ क्या है बोलो आप लोग, व्हाट इज और कुछ? दहेज, हम खाना बनाना, खाना बनाना इज नहीं, दहेज इज इम्पोर्टेंट। जहाँ पे पहले के जमाने में, इनफैक्ट अभी भी आई डोंट नो, मतलब इतना नहीं जानती हूँ बट देखी हूँ फिर भी, कि अभी भी अब दो अगर बहू है, अगर किसी के यहाँ से ज्यादा दहेज आए, चाहे वो स्टूपिड भी क्यों ना हो, उसका ही ससुराल में ज्यादा रहता है। आई डोंट नो क्या थिंकिंग है ये, बट ऐसा होता है। तो यहाँ पे मेन चीज खाना वाना भांड में गए इन लोग के लिए, क्योंकि वो तो सास लोग सिखा देती है दहेज नहीं लेकर आई, ये मन में उसके पिंच हो रखा है, वेयर इज द दहेज। नेक्स्ट फिर कहा है, ये तो हो गया, तूने और कुछ नहीं देखा। विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था, जैसे अपना ये इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। हम लोग शादी के लिए उधार ले लेते हैं, होता है ना मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उधार लेकर शो ऑफ करके भी शादी करेंगे, राइट? माने कुछ भी करेंगे शादी में, बट शो ऑफ दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि चाहे जो भी हो जाए, हमने दिखावा किया और सारा दिखावा खत्म हो गया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सारा दिखावा समाप्त हो गया, तो आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? और अब वही कठोर यथार्थ आ गया है, माने कोई उचित चीजें सामने आ गई है, उचित माने जो आना ही था, यथार्थ माने उचित, जो चीज होना था वो चीज हो रही है। क्या हो रही है? चीनी वाले, गेहूं वाले, सभी को पैसे देने में घर में रोज महाभारत होता, माने उधार में सब कुछ ले तो लिया, बट नाउ जब वो लोग पैसे लेने के लिए खड़े हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। अक्सर ही बिना किसी कारण बाबूजी अम्मा और भाई साहब से कहते रहते, अब आगे कैसे होगा इस पर भी सोचा है, माने लड़के की शादी तो हो गई है, बट अब क्या आगे क्या होगा? क्यों? क्योंकि दहेज अच्छे से आया नहीं, हम लोग के ऊपर इतना लोन पड़ा हुआ है, कितने लोग खड़े हैं अपना लेने के लिए रुपया पैसा, तो आगे अब हम लोग क्या करें? उन्हें सिर्फ 25 रुपए पेंशन मिलती थी, माने पेंशन मतलब क्या हुआ, वो काम करते थे क्या नहीं करते थे? करेंटली पिताजी पेंशन मिलता था 25? नहीं करते थे, नहीं, तो उनको पेंशन मिल रहा है, कितना रुपया पेंशन मिल रहा है याद रखना, 25 रुपीज, 25 रुपए। नेक्स्ट, महंगाई भत्ता सब मिलाकर 99 भाई साहब को, माने हर एक चीज देकर, बोनस वोनस हर एक चीज देकर, जो इसका बड़ा भाई था वो कितना रुपया कमाता था? 99। 99 माने क्या हो गया? एनीवन, व्हाट इज 99? 99। वेरी गुड, वेरी नाइस, 99। ठीक है, तो पिताजी कितना कमाते थे? 25। भाई साहब सब कुछ को लेकर कितना कमाते थे? 99। शादी में साइकिल मिली थी, माने शादी में किसकी शादी में मिली थी? बड़े भाई के दहेज में उनको साइकिल मिली, उसी को घसीट रहे थे, माने अभी भी उसी को चला रहे थे। बीमारी से शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, इसलिए अक्सर अम्मा चारपाई पर बैठी बैठी माला जपती हुई कुछ बुदबुदाया करती है, माने इतना बीमारी लग गई थी माँ को, उनका शरीर पूरा जर्जर माने वीक हो गया था, कमजोर हो गया था, बूढ़ी हो गई थी, इसीलिए वो सिर्फ चारपाई माने खटिया में, जैसे गांव में होता है ना वैसे खटिया सॉर्ट ऑफ बेड, तो वो चारपाई में बैठी बैठी सिर्फ माला जपती थी, और माला जपते हुए और भी कुछ करती थी, क्या? बुदबुदाया। व्हाट इज बुदबुदाया? बड़बड़ाना। तो वो मनी मन बड़बड़ाती रहती थी। जब इंसान इरिटेट होता है, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता है, स्पेशली ओल्ड एज में, तो वो क्या करता है? बड़बड़ाते हैं अपने आप में, जो यहाँ लिखा है। 2-3 बच्चे पढ़ने को है, माने इस लड़की के बाद भी और भी बच्चे हैं पढ़ने को। अमन मैट्रिक देगा, मैट्रिक इज 10th वाला एग्जाम। सबसे छोटा कुवर अभी 6 में है, कुवर का जहां तक है जिक्र सिर्फ इधर हुआ है, ठीक है, कुवर 6th क्लास में है, याद रखना। एक भाई अमर है जो मैट्रिक देगा, और उससे भी छोटा भाई है, वो कौन है? कुवर। उसका नाम क्या है? कुवर। और वो कौन सी क्लास में है? 6th क्लास में है। मैम बोलो, टोटल 4 भाई था ना? हाँ, 4 भाई और एक बहन, क्योंकि एक बड़ा भाई, एक वो खुद हो गया, और 2 ये लोग है, और एक ये मुन्नी रही, ठीक है, बहन है। क्लियर?
हाँ मैम, एक्चुअली मैम स्कूल में सर बोल रहे थे कि ज्यादा जगह मेंशन नहीं किया कि वो लोग चार भाई था, कहीं कहीं तीन भाई भी बोला गया। तीन भाई नहीं बोला, मेन क्या है जो कुंवर है ना उसका ज्यादा मेंशनिंग नहीं है, इसलिए मैंने भी बोला ये जिक्र शायद इधर ही हुआ है कि एक भाई कुंवर है जो सिक्स क्लास में है। तो बस याद रखना चार जन है, चार भाई माने क्या, कुल मिला के चार लोग हैं, दूल्हे को लेकर भी, ठीक है, माने जो मेन कैरेक्टर है उसको मैम, लेकर बट भी चार लोग। भाई तो तीन है, चार बच्चे हैं ना उसके तो। कैसे समझ रहे हो, मतलब एक देखो यहाँ पे एक अमर है, ठीक है, एक कुंवर है, बड़ा भाई धीरज है, और लड़के का नाम क्या है, समर, चार। अच्छा, वैसे और एक लड़की है, क्या नाम है उसका, मुन्नी, मुन्नी। बहन है मुन्नी नाम की, क्लियर। ऐसे ये फिर हो सकता है बार बार तीन भाई मतलब लड़के को छोड़कर तीन भाई का जिक्र हो रहा हो कि मेरे तीन भाई, और समथिंग अगर आप लोग नोट किए होंगे तो, और कुंवर का जिक्र ज्यादा नहीं आएगा, तो याद रखना सिक्स क्लास में है, सबसे छोटा भाई है बस। और देख लो एज गैप भी अच्छा खासा होता है, एक बड़ा फिर इतने छोटे छोटे छोटे, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, बहुत एज गैप होता है बड़े और छोटे में, तो सबसे छोटा सिक्स क्लास में, और बड़े की तो शादी ही हो गई है। हाँ मैम, नेक्स्ट, समर 12th पास था ना? 12th का एग्जाम दे रहा था वो, 12th में ही चल रहा था, उसका एग्जाम हुआ नहीं था। वो मतलब वो दिया नहीं था मैम, वो बीए का या शायद एग्जाम देने वाला था ना, बीए सोचा था। इसमें एक चीज मेंशन होगा, अभी आएगा जो मैं बोलूंगी, वो अपना प्रिपरेशन कर रहा था, बट वो इंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बार बार ये चीज आ रहा है। अपने जहां जहां पढ़े अगर आप लोग को याद भी हो तो इंटर के एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है, ये मेंशनिंग था, और साथ ही साथ वो थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड था, इसीलिए फ्यूचर की भी बातें आई है कि उसको क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीजें भी। ठीक नेक्स्ट, सबको पढ़ाना है, मुन्नी है ही, मुझे इस बार वैसे भी इंटर पास कर लेना है, देखो अभी आ गया सानिया, मुझे अभी भी इंटर पास कर लेना है, किया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे घर में मुन्नी ही सबसे अभागिन है, अनलकी, सबसे भाग्यहीन है, क्यों, मुझसे 2 साल छोटी है, याद रखो कितनी साल छोटी है, 2 साल छोटी है, माने अगर ये 12th में है तो ऑब्वियसली उस लड़की को भी 10th में समवॉट होना चाहिए था राउंड। नेक्स्ट, 2-3 साल पहले 16-17 की उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़ाई छुड़ाकर शादी कर दी गई, माने कितने साल पहले शादी हुई, 2-3 साल पहले, कितनी उम्र की थी, 16-17, तब उसका पढ़ाई छुड़ा दिया और उसकी शादी करवा दी, और शादी भी क्यों करवाई देखो आगे, इतनी बड़ी कल्ली है कि लगातार प्रहारों से मजबूर होकर घर की कुछ चीजें बेच बेच कर कुछ भाई साहब की शादी में मिली चीजें मिलाकर दहेज दिया, इसीलिए शादी कराया गया क्योंकि लोगों ने कहा कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, ये डायलॉग्स आते गए, ये लाइंस आते गए, इसका प्रहार होता गया एकदम, इसीलिए माँ बाप ने मुन्नी की शादी करा, माने खुद से नहीं करना था, लोग जब टॉर्चर करने लग जाते हैं, बेसिकली लड़कियों के साथ यही है, जब सोसाइटी को वो बड़ी दिखने लग जाती है तो माँ बाप को बोला जाता है, तो माँ बाप क्या करते हैं उसकी शादी करा देते हैं, यहाँ पे भी सेम है। और सेकेंड थिंग, वो पढ़ रही थी, इससे एक और चीज आता है, ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं बेपढ़ी थी, वो पढ़ रही थी, पढ़ाई छुड़ाया गया, ठीक है, और दहेज कैसे दिया गया, कुछ खुद से मिलाकर और कुछ बड़े भाई का जो दहेज आया था उन सबको जुगाड़ करके दहेज दिया गया मुन्नी का। नेक्स्ट, उफ क्या तंग किया बरातियों ने भी, हमारी खातिर यह होनी चाहिए, हमें यह चाहिए, ससुराल से मुन्नी के बड़े ही करुणापूर्ण खत आते, माने शी वॉज नॉट हैप्पी उसके ससुराल में, शी वॉज वेरी सैड, इसीलिए करुणापूर्ण, बहुत सैड, बहुत माने इमोशनल उसके पत्र आते थे, लेटर्स आते थे, और जो बराती लोग थे वो हमेशा टॉर्चर करते ही हैं, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ आती तो बुरी तरह बिलक बिलक कर रोती, सोचो इतनी सैड थी लाइफ में कि जब अपने मायके आती थी, पीहर आती थी, तो वो बहुत रोती थी, सास और पति मिलकर जो जो अत्याचार करते उन्हें किसी से कह भी तो नहीं सकती थी, क्या पता चलता है कि कैसे लड़कियों पर शोषण होता था, लड़कियों पर कैसे अत्याचार होता था, कौन कौन करते थे, देख रहे हो सास और पति मिलकर, लेडी भी घुसी हुई है, सास भी है और पति भी है, और दोनों में से सबसे ज्यादा पति वो करता है माने टॉर्चर करता है, आगे पता चलेगा कैसे। ये तो हो गया पति मिलकर, फिर है, इसका पता तो बाद को चला कि पति का चाल चलन कैसा है, माने एक पति कैरेक्टरलेस था, चाल चलन कैसा है और वह रातों कहाँ कहाँ घूमता है,
एक डेढ़ साल तो गाड़ी रीते सॉरी रोते झिकते खींचता रही। होता है ना स्टार्टिंग में जब शादी हो जाता है तो लड़कियों को या लड़कों को बोलते हैं कि नहीं एडजस्ट करो, नहीं पट रहे तो भी एडजस्ट करो, ऐसे डाइवोर्स थोड़ी ना होता है, ऐसे आप लोग सेपरेट थोड़ी ना हो सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया एक डेढ़ साल तो कैसे ना कैसे लोग खींच लिए अपना शादी का गाड़ी को, लेकिन सास के मरते ही, देखो सास फिर भी बेटर होगी, फिर भी सास के मरते ही मुसीबतों का पहाड़ अराकर टूट पड़ा, माने बहुत जोर से टूट पड़ा। अब पति देव का हाथ पकड़ने पकड़ने वाला कौन था? माने पहले सास और पति दोनों टॉर्चर करते थे, सास अपने वे में पति अपने वे में, बट अब तो सास मर गई और पति अब तो बहुत गंदी तरीके से उसको मारता और पीटता था, और पहले सास मारने पे एटलीस्ट हाथ पकड़ लेती होगी, बट अब तो कोई भी नहीं बचा कि पति को रोकेगा कि भाई मत मार। और नेक्स्ट है, उसने जाने किसको लाकर घर में डाल दिया। सोचो इतना कैरेक्टर लेस है कि कोई और औरत को घर पे ले आया था। ठीक है, सुनते हैं कोई ब्राह्मण जाति की थी, माने जिस लड़की को लेकर आया था उसका जाति क्या था? ब्राह्मण। याद रखो एमसीक्यू में फंसाएगा ये सब। ब्राह्मण जाति की कोई लड़की को लेकर आ गया, नौकरानी की तरह अपनी और अपनी उस रखेल की मुन्नी को सेवा कराता। रखेल वर्ड क्यों आया है? क्योंकि शादी जिससे होती है वो बीवी है, बाकी लोग तो अपनी साइड में अपने बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि वो अपनी और अपने उस रखेल की मुन्नी से सेवा सेवा कराता। सोचो पत्नी से खुद की तो करा रहे, अपनी जो लड़की को लेकर आया उसी उसका भी सेवा कराता है, और दो दो तीन तीन दिन तक खाना नहीं देता था, और भी ना जाने कितने कहने अनकहने अत्याचार किए, माने बहुत टॉर्चर किया। मुन्नी तो बताती ही नहीं थी। यहाँ पे एक और चीज है, लड़कियां पहले ज्यादा शेयर नहीं करती थी, ओपनली नहीं बताती थी अपना पेन। रात रात भर इसकी दोनों हथेलियों पर, सोचो अभी क्या बोलेगा, रात रात भर इसकी दोनों हथेलियों हाथ पर खाट के पाए रखकर इसे कुड़ाने और जलाने को अपनी आनंद क्रीड़ा के प्रदर्शन किए जाते। आनंद क्रीड़ा माने अपना एंटरटेनमेंट समझता, उसको जलाता, खाट इस बेड जैसे होता है चारपाई, ये सब उसके हाथ पे चाप देता, समझ रहे हो, और उसको ये जलाने बलाने वाली चीजें भी करता था, और उसको मजा आता था, अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता था, जस्ट इमेजिन। फिर यहाँ पे क्या है, आनंद क्रीड़ा तो एंटरटेनमेंट हो गया, और एक दिन सारे शरीर पर बेतों के फूल हुए, नीले निशान लेकर मुन्नी सुबह सुबह फिर हमारे यहाँ आ गई, बस तब से यही है। माने एक दिन तो इतनी मार खाकर नीला नीला निशान था बॉडी में, जब बहुत मार खा लो ना तो नील पड़ जाता है, तो नीला नीला निशान था बॉडी में, और सबको लेकर उससे रहा नहीं गया, फिर वो अपने पियर लौट आई, एंड तब से वो यहीं पर है। और यही मुन्नी का किस्सा है, जो अपने बार बार सोचते हैं ना मुन्नी को क्या हुआ, वो क्यों पीहर में, दिस इज दी स्टोरी ऑफ मुन्नी, कि कैसे उसको मारा गया, कैसे उसको पीटा गया। और अगर फ्यूचर में अगर आप लोग देखोगे ना, तो उसका पति उसको लेकर लेने के लिए आता है और माता पिता उसको भेज भी देते हैं, जस्ट इमेजिन। जब फ्यूचर में, अभी तो नहीं होगा बट मैं बता रही हूँ, फ्यूचर में आता है पति लेने के लिए, सोचो माता पिता भेज देते हैं इतने वाहियात लड़के के साथ, जिस मने होता है ना कोई अपनी प्रॉपर्टी समझ के कैसे कोई लड़की को मार सकता है या उस पर शोषण कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ हुई। अब तो उसे देखते ही मन मन क्या बोल रहे हो, बीन तो मतलब फूल के हिसाब से बोल रहा है कि माने एक ये है कि नीला फूल होता है तो नील नील निशान हो जाते हैं और बहुत फूला फूला हो जाता है, माने जैसे आपको कोई मारेगा या कुछ होगा तो एक सूजन सी नहीं आ जाती क्या, और ब्लू ब्लू हो जाता है, उसके लिए फूल का बात क्या, बेतों का फूल ऐसे करके, समझ रहे हो, उसके लिए ये वर्ड आया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो उसे देखते ही मन जाने कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है माने भाई को अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली किस भाई को अच्छा लगेगा, बहन को इतना टॉर्चर किया गया है। इच्छा होती है उसके पति को पकड़कर भरे बाजार में ठोकरों और कोड़ों से खूब पीटू, पत्थर से, और कोड़े भी एक होते हैं, पहले के जमाने में राजा लोग अपने पनिश करने के लिए मारते थे, तो बोलते हैं कि कोड़ों और ठोकरों से उसे मारू, पत्थर वत्थर उसके ऊपर फेंकू। राक्षस, अपनी फूल सी बहन हमने इसलिए तुझे दी थी, माने ये डायरेक्टली उस लड़के को नहीं बोल रहे, बट मन मन ही मन ये लड़का से रहा नहीं जा रहे, इसीलिए बोल रहे कि यार मेरी बहन को कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मन करता है उसको पकड़ू और बहुत पीटू।
देख शरीर पर चोट यो लगती है, माने जब अपनी माने उसकी बहन को जब मारा तो कैसा लगा, इसीलिए वो उसको मार के ऐसा पूछना चाहता है कि देख ऐसे चोटें लगती हैं। और मैं मन ही मन दांत पीसता, माने एकदम गुस्से से नहीं होता है वैसे, मुहावरा है वैसे तो, उसकी काल्पनिक तस्वीर की इतनी मरम्मत करता कि उसके मुंह से झाग निकलने लगते। मरम्मत करता माने काल्पनिक माने मन ही मन मारता उसको, जोर जोर से मन ही मन कल्पना करता कि उसको मार डाला हो कि उसके मुंह से पूरा क्या हो रहा है, झाग आ रहा है। इट्स लाइक दैट। फिर कहाँ है, एक सेकेंड। हाँ, मुन्नी तो पता नहीं कुछ सोचती भी है या नहीं, अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया है। सब नीचे होंगे तो वह ऊपर अकेली बैठी बैठी एक चट ताका करेगी, ऊपर से आई तो सिकुड़ी सिकुड़ी सी सबकी निगाहों से बसती रहेगी। माने वो इतनी अकेली रहना चाहती है, उसको पसंद नहीं है किसी के साथ रहना, वो सबसे बचती रहती है, वो अपने फीलिंग के हिसाब से या अपने तरीके से एकदम रिजिड हो गई है। माने उसको कुछ चाहिए नहीं, वो किसी से बातें नहीं करती है, उसको अकेलेपन में रहना है, अगर कोई उसके पास आएगा भी तो वो कहीं और चली जाती है और सबकी नजरों से बचती रहती है। यहाँ पे ये चीज लिखा है, और सब नीचे होंगे तो वह ऊपर बैठी अकेली ताका करेगी, माने खो जाती है अपने ही ख्यालों में, अपनी ही चीजों में खो जाती है एकदम। सब नीचे, अच्छा ये तो हो गया, ऊपर से आए तो सिकुड़ी सिकुड़ी सी सबकी निगाहों से बचती होगी, जाने क्या उल्टा सीधा सोचा करती है, भीतर जैसे उसे कोई चीज पीस डाल रही है, माने कुछ तंग कर रहे, कुछ मेमोरी कोई थॉट उसको बहुत तंग कर रहा है। हम सब देखते रहते हैं, वह दिन दिन पीली पड़ती जा रही है, पीली माने पेल होती जा रही है, एकदम नहीं होता है चेहरा माने उतर जाता है वैसी होती जा रही है। 18-19 बरस की चमकते मोती सी उम्र, ऑब्वियसली उसका शादी हुआ था, कब हुआ था, 16-17, और अभी उसकी उम्र क्या बोल रहे हैं, 18-19 बरस की उसकी चमकती सी उम्र, ऑब्वियसली यंग एज है, इजंट इट, 18-19, और इसी उम्र में उसका क्या हो गया, झुर्रिया, और दुख के पाले में मुरझा गई है, ऑब्वियसली सच यंग एज, सच ब्यूटीफुल एज, जिसमें लोग क्या करते हैं, मस्ती करते हैं, एंड वो बेचारी के साथ कितना कुछ बीत गया कि वो पूरे झुरिया रिंकल्स आ गए हैं और साथ ही साथ पूरी मुरझा गई है। लेकिन करे भी तो क्या, अब ये भी बोल रहे कर भी कुछ नहीं सकते हैं, अब तो शायद जिंदगी भर उसे यही रहना है। माने भाई को यही उम्मीद है कि दूसरी शादी तो पॉसिबल इतना होता नहीं था लड़की लोग का, इसीलिए बोला जा रहा है शायद अब जीवन भर उसको मायके में ही रहना है। बाबूजी ने उस आदमी को कितना लिखा है, शहर और बाहर बिरादरी के प्रमुख लोगों द्वारा उस पर कितना दबाव डलवाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसे पिता पर भी शर्म आना चाहिए कि उसकी बेटी को इतना मारा इतना पीटा, फिर भी उसके पिता उसके पति को लेटर्स लिखते हैं, और जो फेमस लोग हैं या जिनका रुतबा है सोसाइटी में उनसे भी दबाव डलवाते हैं कि मेरी बेटी को ले जाओ, होता है ना, मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ, उस लड़के को लेटर्स लिखवाते हैं, जस्ट इमेजिन। और लड़का भी कैसा, जो क्या नहीं किया, टॉर्चर करता था फिजिकली, किसी और लड़की को अपने घर ले आया, एंड सो ऑन, हर एक हद पार कर दिया, फिर भी पिता क्या किए, ये नहीं कि अपनी बेटी को एक्सेप्ट किए कि नहीं यू आर करेक्ट, तुम्हें मैं नहीं भेजूंगा, क्या किए, लेटर लिखते थे लड़के को, और जिसका हैसियत है सोसाइटी में, रुतबा है, उनसे भी लेटर लिखवाते थे कि भाई मेरी बेटी को बुला ले, उनको बोलो। लेकिन कुछ नहीं होता, माने लड़का नहीं बुलाता, खुद इतना पढ़ी लिखी नहीं कि कुछ कर सके, और लड़की भी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, इसलिए बोलते हैं लड़की को, माने जितना भी हो यार, माँ बाप रिच हो या व्हाटएवर भी है, खुद पे इंडिपेंडेंट होना इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तुम रिच हो, चाहे तुम मिडिल क्लास हो, चाहे तुम जो भी हो, चाहे तुम्हारा जिससे शादी हो रहा है वो बहुत वेल ऑफ हो, वो बहुत रिच हो, बट अपना काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंस, अपना रुतबा कभी भी लड़कियों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये लाइन उसी को दर्शाता है। क्या खुद इतना पढ़ी लिखी नहीं कि कुछ कर सके, अगर मुन्नी पढ़ी लिखी होती तो उसके पास ऑप्शन होता, खुद का कमाई करती, माँ बाप पर बोझ नहीं बनती, तो ये चीज बोला जा रहा है। माने हर एक चीज ले लिया, ये जो ड्रामा है ना, हर एक चीज बोलता है, माने लड़का कैसे दूसरी शादी कर सकता है, कैसे कैरेक्टरलेस निकल सकता है, लड़की लोग कैसे पढ़ी लिखी नहीं होती थी, कैसे पढ़ी लिखी लड़कियों को भी दबाया जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, हर एक चीज को देखो, हर एक एंगल दिया हुआ है।
दिन रात पढ़े लिखे तो 5-6 साल से इतना पढ़ पाएगी कि 30-35 की मास्टर नहीं बन सके। माने अगर अभी भी चालू करे और बहुत पढ़े तब जाके 30-35 साल में कुछ कर सकेगी। सिलाई कढ़ाई सीखने में भी 1-2 साल लगेगा। पहले के जमाने में स्टिचिंग ये सब भी होता था कमाई का जरिया। तो बोला जा रहा है सिलाई और कढ़ाई सीख ले तो भी बहुत टाइम नहीं, तो भी 1-2 साल लगेंगे। फिर इतना पैसा भी तो एक समस्या है। माने इन लोगों का फैमिली इतना वेल ऑफ नहीं था, इतने पैसे वाला नहीं था, तो इसको अगर सिखाए भी लड़की को तो कहां से सिखाएंगे। यहाँ लड़कों को की पढ़ाने की आफत मची रहती है। सोचो लड़के को इम्पोर्टेंस दे रहे कि लड़कों को तो पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लड़की को क्या पढ़ाएंगे। माने इक्वालिटी नहीं है। अनुष्का बोलो। मैम यहाँ पे हमको ये वाला लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, 30-35 की मास्टरनी। मास्टरनी इज व्हाट की कुछ अच्छा एक सेकंड रुको, मेरे को भी एक बार देखने दो। हाँ ये लाइन है, दिन रात पढ़े लिखे तो 5-6 साल में इतना पढ़ पाएगी कि 30-35 की मास्टरनी बन सके। माने अगर वो अब पढ़ना चालू करेगी तब जाके मास्टरनी इज समथिंग रिलेटेड टू टीचर और समथिंग भी बोल सकते हो उस प्रोफेशन से। अगर वो अभी लगेगी बहुत पढ़ेगी तब जाके वो एक एज में अपना प्रोफेशन मास्टरनी या कुछ इतनी एडुकेटेड होगी कि कुछ और कर सकेगी। और उस जमाने में हर एक प्रोफेशन गर्ल्स के लिए नहीं होता था, या तो वो लोग टीचर हो सकती थी या सिलाई कढ़ाई ये सबसे रिलेटेड कुछ बन सकती थी, इसीलिए ये सारा ही प्रोफेशन को थोड़ा बोला गया है। समझा अनुष्का? यहाँ पे 30-35 आई थिंक मास्टरनी का जो वो वे कि उसका एक्सपीरियंस है सबके हिसाब से, राइट? पैसे के लिए नहीं बोला जा रहा क्या, उसका सैलरी के हिसाब से? नहीं 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 नहीं, ऑब्वियसली नॉट। 30-35 की मास्टरनी बन सके वैसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल बोला जा रहा है कि उतनी वो एडुकेटेड हो, जैसे या फिर ये भी बोल सकते हो जितना उसका दिमाग चल सकता है। जैसे होता है ना इतने लोगों का दिमाग चलता है वो अपने लाइफ का कुछ कर सकेगी, उस रिलेशन में भी आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी रिलेटेड यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है? मतलब 30-35 साल तक वो मास्टरनी बन पाएगी उनका, उनसे रिलेटेड बन पाएगी। 30-35 वाला चीज नहीं बोल रहा है, माने उनके रुतबे में आ सकेगी या उतने क्या बोलते हैं उस लेवल में आ सकेगी। ये सिर्फ एज के लिए भी नहीं बोल रहा कि 30-35, यहाँ पे बोला जा रहा है उनके दिमाग वाली या उनसे रिलेटेड वाली कुछ कर सकेगी। फिर वो होता है ना इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, ऐसा तो नहीं एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, तो वो आगे बढ़ेगी तो उतना एटलीस्ट कमा लेगी या उतना वो कुछ कर सकती है। अगर वो अभी से रात दिन पढ़ना स्टार्ट कर दे तो तब जाके वो कुछ कर पाएगी। ओके नेक्स्ट, फिर क्या है, सिलाई कढ़ाई हो गया। और एक चीज यह लड़का लड़की से रिलेटेड है, यहाँ लड़कों को पढ़ाने की आफत मची रहती है। मुन्नी जब आई थी तो सभी उसके प्रति हमदर्दी दिखाते थे। वन मोर थिंग, स्टार्टिंग में अगर तुम सैड हो तो लोग तुम्हें हमदर्दी दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसे हिम्मत बंधाते थे। अब तो प्राय सभी भूल चुके हैं। हाँ अगर नहीं भूली है तो वह स्वयं की घर के ऊपर वह बोझ है। माने स्टार्टिंग में तुम सैड रहोगे तो लोग तुम्हें हमदर्दी दिखाएंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तुम्हारा दुख बांटेंगे, बट धीरे धीरे जब ढलते जाएगा तो लोग इतना तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम लोग खुद सोचा ना, 24 घंटा तुम लोग सैड रहते हैं, कोई आएगा क्या तुम्हारे पास? नो, एक दिन तुम्हें बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, ये नहीं कि हर टाइम तुम्हारे पास आएंगे। और फिर लोग उसको इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दिए। माने एज अ मेंबर देखते थे, चलो है, ये नहीं सोचते थे कि बच्ची पे क्या बीत रहा है, वो ठीक है कि नहीं है। और एक चीज यहाँ पे क्या बोला गया कि लड़की जो मुन्नी है वो अपने आप को क्या समझती है, बोझ समझती है। समझ रहे हो, अपने आप को क्या समझती है, बोझ, कि मैं अपने परिवार के ऊपर क्या हूँ, बोझ हूँ। ऐसे देखा जाए तो लड़का लड़की दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल है, राइट? फैमिली में ऐसा थोड़ी ना, लड़की का शादी हो गया वो अपने घर में रिटर्न कर रही है तो वो कुछ और हो जाती है। बट ये भी रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का कि अगर एक बार शादी हो जाता है हम लोग उसको पराया मानते हैं, घर का मेंबर नहीं मानते, और वो रिटर्न बैक करे तो एक बोझ के हिसाब से हो जाती है, अपनापन नहीं लगता। शादी के बाद अब जाने क्यों लगता, जैसे घर की वास्तविक हालत मुझे जानबूझकर दिखने लगी है। मतलब लोग, पहले वो बच्चा जैसा था जब शादी नहीं हुआ था, बट अब ऐसा लगता है कि उसको इतनी कुछ समझ आ रही है, लड़की का प्रॉब्लम, माने जो बहन का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, तो उसको लगा कि जानबूझकर ऐसा लग रहा है घर वाले ही उसको शो कर एक पिक्चर कि देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, उसको दिखाई माने दिखाई जा रही है इतनी सारी ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम।
लगता ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई थी, वह तो शायद कोई और था, माने जिस लड़की की शादी हुई है वो कोई और है, इसको नहीं फील आ रहा कि इसकी शादी हुई है। अब तो बहू की बात भी घर में कोई नहीं करता, ये बात क्यों बोला गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा दिन बीता है, काफी दिन बीत गया, इसीलिए बोल रहे कि बहू माने इसकी वाइफ की बात भी घर पे कोई नहीं करता है। लगता है जैसे मेरी अनिच्छा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अनिच्छा माने इसकी क्या इच्छा नहीं थी, बीवी वाली इच्छा, राइट, कि बीवी की बात किया जाए या इसकी शादी की बात किया जाए। अभी खुद ही बोल रहे लगता है मेरा जो ना इच्छा टाइप्स है, जो मेरी पसंद नहीं थी, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस घर वाले दे दिए। इन दी सेंस से बोलना चाह रहे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए था, ये चीज बोला जा रहा है। देखो लगता है कुछ ज्यादा ही अनिच्छा को उन लोग महत्व दिए। किसी एक बाहरी आदमी को घर का आदमी माना जाने लगा है, इसे सब भूल गए हैं। हाँ एकाध बार भाभी ने प्रसन्न मन स्थिति में हंसकर कहा था, प्रसन्न इज हैप्पी, मन स्थिति माने मन की हालत, बहुत खुश थी जब, तो भाभी क्या बोली, ठीक है लाला जी। और भाभी हमेशा देवर को क्या बोलती थी, बताई थी ना मैं, बोलो भाभी क्या वर्ड बोलती है, लाला जी वर्ड बोलती है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि ठीक है लाला जी, सब ढंग पर आ जाएगी, सब ढंग पर आ जाएगी, मतलब कौन ढंग पर आ जाएगी, कौन तरीके में आएगी, आपकी बीवी, बीवी के लिए, राइट, प्रभा। औरत को जब तक दबाकर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती। सोचो देख रहे हो, औरत ही औरत की दुश्मन, जैसे चेतना ने भी पूछा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि भाभी भड़का रही है कि औरत लोग को हमेशा हमें काबू में रखना चाहिए, जब तक आप काबू में नहीं रखोगे हाथ में वो टिकेगी नहीं, आपके कंट्रोल में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहां पे, हाँ बोलो, समय का बड़ा भाई उसकी भाभी पे हाथ उठाता था ना, एग्जैक्टली ये मेंशन है, आया कि नहीं आया, ये हम सुने थे मैम, इसलिए कुछ, ये आई डोंट रिमेम्बर कि पहले आया है कि नहीं, बट ये मेंशनड है कि वो बहुत मार खाती थी, माने मारता था पति, पहले आया है कि नहीं, आई डोंट नो, आगे आ सकते हैं, आया था क्या पहले, कोई बताओ, नहीं मैम, नहीं तो आगे आएगा, ये लाइन है कि वो मार खाती थी, इसीलिए तो देखो ना ये भी अपना बता रही है, देखो कैसे कहाँ गया, ठीक है लाला जी सब ढंग पर आ जाएगी, औरत को जब तक दबाकर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती, और जहां पहले से गुमान बढ़े हो वहां तो फिर कहना ही क्या है, माने जहां पे पहले से इतना एटीट्यूड है वहां तो बोलना ही क्या है, आपकी बीवी में तो बहुत एटीट्यूड है, इन दी सेंस गुमान है बहुत अपने ऊपर। औरत तो लकड़ी का बंदर है, हमारा हमारे बाबा कहाँ करते हैं, हमारे इनके पिता क्या कहते हैं कि औरत बंदर माने क्या है, उंगलियों पे नाचने वाली चीज है, होता है ना, काबू करोगे तो कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो उछल उछल के डांस, कठपुतली, कठपुतली बोल सकते हो, एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये काबू करोगे तो हाथ में रहेगी, अदरवाइज वो लोग नहीं होते कि अलग ही वे में जाएगी, इतना भी मुंह ना लगाए कि आदमी को आगा पीछा कुछ दिखाई ना दे, आगा पीछा माने आगे पीछे, माने बोलते कि इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि माने किसी को आगे पीछे कुछ दिखे ही ना, चाहे जितनी पढ़ी पढ़ लो, चाहे जितनी सुरख की परी बने, सुरख की परी बने माने सूरत की परी बने, ठीक है, काम तो वही करना पड़ेगा। ये चीज और एक है जो अभी के जमाने में भी इनफैक्ट सुनने को मिलता है, लड़कियां जितनी भी पढ़ ले, क्लेम जितना भी कुछ कर ले, घर का काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा, माने आई डोंट नो ऑब्वियसली आप लोग तो क्या सुनोगे, बट इन फ्यूचर नहीं होता है, देखोगे जितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये चीज बोला जाता है कि घर काम होना चाहिए औरत पे के हाथ में, माने आप वर्क भी करो आप अपना घर भी संभालो, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पे यही चीज है, तुम जितने भी पढ़ लो, तुम जितनी भी सुंदर हो, बट घर का काम तो तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा। आदमी को काम प्यारा होता है चाम नहीं, एक तरीके से ये अच्छा लाइन है, चाम इज चमड़ी, चाम इज फॉर चमड़ी, तो बोला जा रहा है आदमी लोग को काम अच्छा लगता है, स्किन से मैटर नहीं होता है, माने खूबसूरती से मैटर इतना नहीं है, काम प्यारा है, तो ऑब्वियसली ये लाइन अच्छा ही है। अब इसमें क्या फायदा कि किताबें तो तुमने लाखों पढ़ ली, आने के नाम खाक धूल कुछ नहीं, माने तुमने सिर्फ पढ़ा है, थ्योरिटिकल नॉलेज तो भर भर के ले लिया है, बट अगर तुमसे काम कराया जाए तो तुमको जीरो आता है, माने तुम कोई काम की नहीं हो, इट मीन्स दैट, माने इन शॉर्ट भाभी अपने आप से कॉन्ट्रास्ट दिखा रही कि देखो चाहे मैं पढ़ी लिखी ना हो, कुछ ना हो, बट घर का काम एकदम परफेक्ट करती हूँ, आगे भी आएगा इससे।
हम तो लाला जी तुम बराबर नींद में उठा लो, सोचो अपने देवर को बोलती है, अगर चाहो तो नींद से उठा लो, बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल दे। माने आई एम सो एक्सपर्ट, मैं कितनी एकदम एक्सपर्ट हूँ किचन के काम में कि आधी रात को भी उठा लो तो खाना एकदम परफेक्ट बना लूंगी। नाक कटा दे जो जरा भी कम ज्यादा हो जाए, माने मसाला कम ज्यादा हो जाए तो मेरे को बता देना। फिर अपने घर की बात बताने लगती है, अपने घर माने भाभी अपने पियर की बात बताती है। हमारे बड़े भैया की बहू भी ऐसी ही आई थी, माने वो अपनी भाभी का भी बुराई कर रही है, ठीक है, किसी को अपने सामने बदती ही नहीं थी, माने कुछ समझती नहीं थी। सो भैया को यह सब कहां बर्दाश्त, माने मेरे भाई को यह सब कहां बर्दाश्त। 2 दिन में सारा नचला झाड़ दिया, माने सारा नखरा सारी चीजें उसकी उतार दी 2 दिन के अंदर। वो तो किसी किसी की आदत ही हो गई है लाला जी, बिना पीछे कुटे ठीक रास्ते पर नहीं चल सके। माने किसी किसी का आदत है, जब तक मारो पीटो नहीं तो समझ नहीं आएगा, जैसे इसकी भाभी का हालत है इन शॉर्ट, क्योंकि भाभी भी मार पीट वाली नहीं होता है, सहन की है, उसके बाद ही शायद लाइन पे आई है, माइट बी, इसीलिए वो ये लाइन बोल रही है, विच इज वेरी रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या है, अब भाभी बिल्कुल ठीक है, कौन सी भाभी, अपनी भाभी का बात करिए, मेरी भाभी अब लाइन पे सारा काम करती है, सब कुछ करती है। भैया की भौं पर बल देखा नहीं कि पत्ते की तरह यो कांप जावे, माने हालातों के भूत बातों से वाला चीज, गुड। तो यहाँ पे क्या है, भैया की भौं पर बल देखा नहीं कि पत्ते की तरह कांप जावे, माने अपने पति से कांपती है, डरती है उनके हिम्मत से, उनकी ताकत से, दूर से ही डरने लग जाती है, ऐसा पति ने कर दिया था। और उन्होंने पंजा कप कपाकर पत्ते के कांपने का रूप देखा, ये कुछ नहीं है, ये लाइन का मतलब यही है, मारी पीटी गई, बहुत टॉर्चर सही, पहले बहुत एटीट्यूड था जैसे अपनी प्रभा को है, माने अकॉर्डिंग टू भाभी, बट जैसे ही मारी पीटी गई सारा लाइन में आ गया, माने लड़कों को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लड़कों को अपना बल दिखाना बहुत आवश्यक है ताकि औरतें क्या हो, लाइन में आए। पहले के जमाने की चीजें बता रहे जो बहुत ही खराब है। नेक्स्ट, जाने क्यों मेरा मन बड़ा भारी भारी। हाँ बोलो कोमल। मैम भौ मतलब भैया की भौ, भैया की भौ पर माने क्या होता है, दम के लिए बोल रहे हैं, नहीं होता है कि उनका हिम्मत इतना है उस चीज के लिए बोल रहे हैं, कितनी काबिलियत है, इतनी दम है कि दूर से देखकर ही नहीं होता, डरती है, उनके एटीट्यूड बोलो या उनका व्हाट टू से उन क्या बोलते हैं उसको, शरीर के जो नहीं होता एनर्जी वाली चीज, उसको देखकर ही डर जाती, शक्ति को देखकर ही डर जाती, वैसा कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट, जाने क्यों मेरा मन बड़ा भारी भारी और रोगी रोगी सा रहने लगा, माने ये बीमार सा रहने लग गया, नॉट एग्जैक्टली बीमार था, मन से बीमार हो गया था, क्या बोलते हैं ना प्यार में, क्या बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है जो भी, जब देखो, जब देखा क्या, जब देखो तब यह रुपये पैसों की तंगी का बखान। एक तो वो माने उसका मन भारी भारी माने एकदम अजीब उसको लगता था, और रोगी सा होने लग गया, एकदम बीमार बीमार सा लगता था, जहां देखो रुपए पैसे की तंगी, कि ये नहीं है वो नहीं है, लाख की ही बात होती थी हमेशा, यह संकेत कि हमारी मदद करो, माने जो इसके परिवार वाले थे हमेशा इसको इनडायरेक्टली क्या बोलते थे कि प्लीज पैसा कमाओ और मदद करो। मैं तो इन लोगों के सामने पढ़ते डरता था, माने ये लोग आ जाते थे तो डरता था, लगता है भागो, किसी का सामना ना हो घर वालों का। हाँ मैम, ये जो लिखा हुआ है ना कि भारी भारी और रोगी सा रहने लगा, इसका रीजन ये है कि लाइक प्रभा चली गई थी या फिर उसके घर में जो पैसों की तंगी थी उस बोल के? दोनों ही चीज है, पैसों की तंगी तो थी, मन भारी, मन जो भारी भारी है वो बीवी के कारण है, क्योंकि he is not feeling good or something, और जो यहाँ पे था माने अच्छा नहीं लग रहा है something, तो दोनों का ही चक्कर है, तो बीवी नहीं है, अपना मैरिज लाइफ ढंग से संभाल नहीं पा रहे, लोग सब बातें कर रहे, साथ ही साथ पैसों की भी तंगी है, पैसों की तंगी इन दी सेंस घर वाले बहुत परेशान है, ये पढ़िए या फिर ये कमाए इसको समझ नहीं आ रहा, तो बोथ रीजन आप ले सकते हो इस चीजों में, ठीक है। एक दिन पूछा था, आप चाहते हैं मैं एफए का इम्तिहान दूं या नहीं। एफए क्या होता है, तुम्हारा आगे का भी नहीं, इंटर के बाद का एग्जाम होता है, ठीक है, इंटर का बाद इन दी सेंस क्या, सॉरी इंटर नहीं, व्हाट डू वी से 10 को क्या वर्ड था, मैट्रिक, उसके बाद का होता है, माने जो अभी एग्जाम देगा 12th को, उसके लिए वर्ड यूज हुआ एफए वाला चीज, ठीक है, इसको आप लोग कंफ्यूज मत कर लेना, ये लोग बार बार अपना 12th का एग्जाम का ही बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे बोल रहे मैं एफए का इम्तिहान दू या नहीं दू, तो झट भैया बोले पढ़ने को कौन मना करता है, भैया भी ठोके भैया तुझे पढ़ने के लिए कौन मना कर रहे हैं, मैंने कहना चाहा तो फिर यह दिन रात की झिकझिक बंद कीजिए। क्या मैंने होता है ना अपने, तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, लोग तुम्हें परेशान कर रहे, तो तुम लोग क्या सोचोगे कि प्लीज या तो पढ़ने दो या तो परेशान कर लो, दोनों में से एक ही चीज करो। पढ़ाने का एहसास भी है, सॉरी पढ़ाने का एहसान भी है और पढ़ने भी नहीं देना चाहते, माने तुम लोग एहसान भी कर रहे हो क्योंकि फीस वीस माँ बाप से ये लेता था समथिंग, और लास्ट में इसको पढ़ने भी नहीं दे रहे। कैसे पढ़ने नहीं दे रहे, बार बार रियलाइज करा रहे हैं पैसे की कमी है, तंगी है, तुम हेल्प करो, तुम सपोर्ट करो, शादी वादी करा दी, कितना सारा चीज हो गया, तो इसीलिए परेशान होकर बोलता है कि भैया या तो पढ़ने दो या फिर मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ, इरिटेट होके बोला। नेक्स्ट, इतना तक किसी को कुछ पूछना है, एक बार देख लो ठीक है, इतना तक एक मिनट देती हूँ, इतना देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम बौद्धिक मतलब होता क्या है? एक्चुअली देखो, एक तरीके से ऐसा स्थान है जहां पे तुम जाके सुकून से बैठ सकते हो, मेडिटेशन ये सब करने के लिए, मंदिर वंदिर के हिसाब से भी बोल सकते हो, बट बौद्धिक इज रिलेटेड टू बुद्धा लोग, समझ लो, बट ये ऐसा प्लेस है जहां तुम ध्यान कर सकते हो, जाके बैठो ध्यान करो, वॉट एवर पीस में रहो, ये बौद्धिक वर्ड उसके लिए आए। और यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि यहाँ पे मोनास्ट्री ये सबसे रिलेटेड वर्ड कहा गया है, मंदिर से रिलेटेड कहा गया है, कहीं पे मेंशन नहीं। तो आप लोग यही बोल सकते हो ध्यान व्यान करने की कोई जगह है जहाँ पे जाके बैठता था, या फिर मंदिर भी इनडायरेक्टली ले सकते हो। और मैम ये एक वो मुहावरे ना, पाव घिसटाटा हुआ लौट आया, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इरिटेट होके, मैंने नहीं सुनना चाहता था, डर के कि वो लोग क्या बोलेंगे, जो वो लोग दो जन आए थे उनके जैसे और कोई नहीं आ जाए, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं वापस आ गया, डरता डरता या पछताता हुआ कि भाई अब तो छुटकारा मिला, वापस ना आ जाए। एक बार आप लोग देख लो, जिसको और कुछ पूछना है तो पूछ लेना। आप लोग एक बार देखो, कहीं ना कहीं कोई वर्ड निकल जाएगा, कुछ भी चीजें हैं। चलो आगे देख लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम? मैम लास्ट क्वेश्चन, मैम इंटर और एफए तो एक ही है ना? माने ये जो एफए वर्ड आता है वो इनडायरेक्टली पहले के जमाने में ऐसे बोलते थे, मैट्रिक के दो साल बाद की एग्जाम, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो वो कौन सी एग्जाम होती है, इंटर की एग्जाम होती है, तो उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट, कभी कभी तो मन में बड़ी प्रबल तड़प जागती है कि इन सबको भूल भाल कर पढ़ने में रात दिन एक कर दूं, जैसे आप लोग को भी आता होगा एक जोश अचानक से, सारा टाइम पढ़ता रहता हूं बट शायद वो जोश निकल भी सकता है, तो यहाँ पे वैसा ही है, किसके मन में भी आता है कि चलो रात दिन पढ़ता रहता हूं, जो जिसका इच्छा हो सो बकने दो, मैंने इग्नोर करो सबको, जो सबको करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम, अपने भीतर एक और अजब बात अनुभव हो रही है, देखो और एक चीज, उसके मनी मन कुछ एक अलग सा चीज हो रहा है, एक्सपीरियंस और अनुभव इज एक्सपीरियंस, पहले जैसी एक अलहड़ निश्चिंता से मन ओतप्रोत रहता था, उज्जवल और उन्नत भविष्य के सपने मन प्राण में झिलमिलाया करते थे, वे सब भूसते चले जा रहे हैं, मतलब कौन समझाएगा? पहले जैसे अलहड़ होता है ना, गुंडागर्दी टाइप, सब माने मन मौजी टाइप, अलहड़ निश्चिंता
से मन ओतप्रोत रहता था, माने भरा रहता था, उज्जवल और उन्नत भविष्य, भविष्य के प्रति एक देखता था, होता है ना एकदम फ्यूचर ब्राइट है। सपने मन प्राण में छिलमिलाया करते थे, वे सब बुझते चले जा रहे, सब क्या हो रहा है, लाइट सब क्या हो जा रहे, बंद हो जा रहे, माने सब फुस हो जा रहे टाइप से एकदम। जो कुछ मैं कर रहे ना, मतलब उसका जो मोटिव, उसका जो एम था पढ़ाई कंप्लीट करने का, मतलब उससे वो हट रहा है ना, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि माने उसका जो होप था या उसकी जो चीजें थी या जितना वो शिद्दत से पहले करता था उनमें कुछ कमी आ रही है, इजंट इट, कोई ना कोई कमी उस चीज में आ रही है, एनर्जी में, जोश में, है ना, कि पहले जितना दृढ़ता था, जितना होप था, वो चीज अब इतना नहीं रहा। तो ये चीज है कि झिलमिला रहा है। नेक्स्ट, जो कुछ मैं करूंगा वह सामने दिखने लगा है, एक अद्भुत वितृष्णा और विरक्ति, वितृष्णा इज रिलेटेड टू हेट्रेड, नफरत, एक अजीब वितृष्णा और विरक्ति भारी निहाई की तरह जमी है। विरक्ति इज डिटैचमेंट, डिटैच होने के लिए विरक्ति इज दी वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कहाँ गया मैं तो घूम रही हूँ, एक सेकेंड, एक अद्भुत वितृष्णा, हेट्रेड और विरक्ति, डिटैचमेंट भारी निहाई की तरह जमी है और उस पर ये सारी बातें घन की तरह बज उठती है। माने कहीं ना कहीं नफरत, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, और कहीं ना कहीं एक एक बार वो सोचता है मुझे कुछ करना है जीवन में, और झट से सारा एनर्जी उसका लॉस भी हो रहा है जो ऊपर वाले लाइन में देखे। तो ये सारा चीज, ये जितना भी चीज पढ़ रहे हैं वो उसके फीलिंग्स क्या हो रहे हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी हाई कभी लो हो रहा है, इजंट इट। माने उसको खुद को ही अब समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, बोलो है कि नहीं ऐसा, इजंट इट, क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है, क्या विचार है इससे? हाँ मैम, वो तो हट रहा था अपने मोटिव से, मोटिव से हट रहे, और साथ ही साथ मोटिव का भी बात नहीं कर रहे, साथ ही साथ और भी चीज बोल रहे कि अंदर की जो वितृष्णा है, अंदर की सारी जो चीजें हैं उसको हर एक फीलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, isn't it? Everything, एनर्जी भी लो है, हेट्रेड बोल लो, सारी चीजें बोल लो, या जो मोटिव था कुछ फ्यूचर में करना है, मुझे एग्जाम के लिए ही पढ़ना है, सारा चीज कहीं ना कहीं उसको दूर जाते हुए दिख रहा था अभी के लिए। निहाई का मतलब क्या, किसका निहाई, तन्हाई मैम, निहाई और भारी निहाई की तरह, वो निहाई वाला चीज है ना, वितृष्णा विरक्ति भारी निहाई, माने जो उसके ऊपर बोझ था, बर्डन सॉर्ट ऑफ था, वो चीज के लिए बोला जा रहा है, निहाई की तरह जमी, एक चीज नहीं होता रिजिड वे में जमा रहता है उसके लिए, और उस पर ये सारी बातें घन की तरह बज उठती, माने अचानक से एकदम बज जाता, एक खोखली खनखनाहट और सुनी दमक से सारा अंतरलोक विशुद्ध और संतरस्त हो उठता था। संतरस्त माने डर जाता था, ठीक है, संतरस्त से जरा हुआ, और विशुद्ध अंतरलोक माने अंदर का मन, अंतरलोक इज इनर वर्ल्ड, अंदर का मन, और विशुद्ध परेशान वाली चीज से आप बोल सकते हो, डरा परेशान दोनों वर्ड सेम के लिए विशुद्ध। तो इसको लगता कि भैया इतना उसका लाइफ में आगे गोल था, इतनी सारी चीजें थी, कितना कुछ उसको करना था, अलग अलग फीलिंग आ रहे हैं, अलग अलग इमोशंस उसका इधर उधर हो रहे हैं, तो इससे वो डर जाता है, समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें देखकर क्या हो रहा है उसके साथ, एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर की फीलिंग आ जा रही है, डर उस पर हावी हो जा रहा है, और किस पर नहीं होगा यार, आप लोगों का एक हफ्ता बाद एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और अभी आपका इमोशंस आपके साथ खेल रहे हैं, कैसा लगेगा आपको बोलो, आपका एक हफ्ता बाद एग्जाम है और आपका फीलिंग आपके साथ प्ले कर रहे, कैसा लगेगा बोलो आप लोग, एग्जाम एक सेकेंड हाँ, सॉरी हाँ,
तो क्या बोल रहे थे, तो उसके साथ इतना इमोशंस खेल रहे। आप लोग भी सोचो ना, आपका एग्जाम है, आपको स्टेबल माइंड चाहिए कि नहीं? आप लोग को स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशंस इतने सारे आ रहे हैं, कभी हाई कभी लो, तो कैसा होगा? डर लगेगा कि मन टिकेगा कि नहीं, मैं आगे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। सेम उसके साथ हुआ है, घर में रहने को मन नहीं करता है। सोचो इतना कुछ हो रहा है कि उसको अपने घर पे रहने का मन नहीं करता है। दोनों वक्त खाना और सोना मजबूरी है। मजबूरी माने जो वो सो रहे हैं और खा रहे हैं अपने घर पे रहकर, वो भी एक मजबूरी है, वो भी नहीं करना चाहते। चुप में पहले भी रहता था, माने ये ऐसा बच्चा नहीं है जो बहुत बातें करता है, चुप ये पहले भी रहता है, अब भी रहता हो, माने अब भी रहता है, सब ज्यादा रहते हैं इंसान। लेकिन पहले की चुप्पी आत्म तृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी। पहले की चुप्पी इसलिए थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था चुप रहना। कोई रिलेट कर पा रहे? कम बोलते हैं, खुद में रहते हैं, अच्छा लगता है। मजबूरी के कारण चुप नहीं रहते, शांति के लिए चुप रहते, खुद के लिए चुप रहते। और यह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह भीतर ही भीतर अपने को रेते जा रही है। आरे माने जो काटता है, तो ये एक ऐसी चुप्पी है जो मुझे काट रही है। क्यों काटेगी बोलो? ये कौन सी चुप्पी होगी जो काट रही है? कैसी चुप्पी हमें काटती है बोलो? मैम इसको इसका ये है कि वो प्रभा से बात नहीं कर पा रहा, तो वो चुप है। ये भी चीज बोल सकते हो, बट ये एक ऐसी है। बोलो, कोई बोल रहा था? एनीवन? सफरिंग्स। हाँ, ये सफर कर रहा है, माने ये ऐसी चुप्पी है जो मन के अंदर इसकी बहुत सारी बातें चल रही है, बट वो उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। लॉजिक समझ रहे हो? तो वो घुट रहा है, जो उसको कुछ काट रहा है, as if he is feeling कि यार मैं अपना मन का बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। अनुष्का कुछ बोलना है? ठीक है, तो ये वैसी चुप्पी है, इसीलिए बोल रहे। पहले वाली चुप्पी मन शांत था, मन के अंदर कुछ नहीं था, बट अब की चुप्पी कुछ है जो पिंच कर रही है, जो काट रही है, ऐसा लग रहा है। फिर क्या है? चलो, आत्म तृप्ति माने आत्मा को तृप्ति करती थी, ये तो हो गया। किसी भी काम में मन नहीं लगता। डेमोक्लीस की लटकती तलवार की तरह बोर्ड के इम्तिहान अपनी निश्चिंत क्रूर मंथन गति के मंथर गति से झुके चले आ रहे। मंथर स्लो होता है, पहले आप लोग लिख लो। और ये स्लो क्यों बोल रहे? ये थोड़ा अलग था, तो ये मेरे को बोल सकते हैं ये मंथर गति क्यों बोल रहे? मंथर इज स्लो, वाई स्लो? Anyone, why slow? कोई कुछ बोलो कि इसको मंथर क्यों लग रहा है? आप लोग का एग्जाम पास आ रहा है, तो आप लोग को ऐसा फील हो रहा है क्या? धीरे धीरे पास आ रहे हैं, या आपको लग रहा है बहुत जल्दी पास आ रहे हैं? जल्दी। इसको लग रहा है धीरे धीरे आ रहा था, धीरे 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 इसकी ओर आ रहा था। वाई धीरे धीरे? क्या अनुष्का बोलो, क्या बोल रहा था ये? खुद ही मतलब वैसे जोन में रहता था ना, कि सब चीज बहुत स्लो है और लो है, डल है, वैसे करती, इसलिए इसको ऐसा लग रहा होगा। ओके, और चेतना आपके अकॉर्डिंग? मैम एक जैसा होता है ना, कि अगर कुछ आपको सताने वाला हो तो वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। इसको ये था भैया जल्दी आओ निपटा लू, समझ रहे हो? कोई कोई चीज होता है ना और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको वो स्लो वाला फेज लग रहा है। उसको लग रहा है भाई जल्दी आ, एक्सपर्ट स्टूडेंट तो था ही, पढ़ता लिखता तो था ही, तो इसको लगता है जल्दी आ, जल्दी से निपटाओ और इस सिचुएशन से निकलो, तो इसीलिए मंथर वाला वर्ड यूज किया गया। देखो ये कह सकते हैं कि जो चीज हमें लाइक पसंद होता है वो बहुत ही धीरे धीरे, आई डोंट नो, ऐसा कुछ होता है ना कि अगर हमें कुछ अच्छा लग रहा, वो फेज अच्छा लग रहा होता है तो वह बहुत जल्दी चला जाता है, लेकिन जो फेज हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है वो बहुत धीरे धीरे जाता है। आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट सेंस में ऐसा ही कुछ है कि ही वांटेड जल्दी से और निकल जाओ। आप लोग को भी कहीं ना कहीं एक बार लगेगा, आई डोंट नो, लग रहा है कि नहीं, बोर्ड 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 जैसा है, तो लगता है भाई आ और चला जा, isn't it, थोड़ा आजाद हो जाता है। तो वैसे ही आप लोग बोल सकते हो, दैट इज व्हाई ये मंथर वर्ड लिखा गया।
अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसको लग रहा है कि जो बोर्ड एग्जाम है वो तलवार की तरह टंगी है इसके ऊपर, और वो भी जोर से नहीं आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है, एकदम क्रूर वे में, क्रूएल वे में आ रही है। कभी जब उसका ध्यान आता है तो छुरे के नीचे के पड़े बकरे की तरह सारा के अस्तित्व कांप उठता है, माने इसको भी डर लगता है, ये भी आपकी तरह बच्चा है, isn't it? कि ऐसे लगता है कि भैया दिल कांप रहे है, एक छुरी की तरह टांग दो टाइप्स, वैसे इसको फीलिंग आ रहा है कि मेरा भी दिल कांप रहा है। जब मुझे रियलाइजेशन होता है एग्जाम इज नियर, एग्जाम आ रहा है, वही चीज बोल रहे, बकरे की वाली फीलिंग आता है, माने जब बकरे को काटने के लिए उसके अंदर जो इमोशन आते हैं सेम फीलिंग आ रहा है। आप लोग में आ रहे हैं क्या बकरे को काटने वाला इमोशन? कॉलेज में पीरियड हो या ना हो, 10 से 4 बजे का समय मैं इधर उधर भटक भटक कर ही काट देता। सोचो घर जाने का मन नहीं है, पीरियड हो नहीं हो ये वहीं पे भटकता रहता था। कभी हॉस्टल में किसी के यहाँ जा बैठा या किसी के घर चले गया, इसका मतलब क्या, उसको अपने घर नहीं जाना है। समझ में नहीं आता मेरे भीतर क्या था जो खो गया, अंदर ही अंदर क्या है जो कुछ गुम हो गया है। मैं एक और बात को भी समझने लगा हूँ कि लोग मुझे मुश्किल बेकार का ऐसा आदमी मानने लगे जैसे कोई काम धाम नहीं, दिन भर बस मन भर का मुंह बनाए घूमता रहता है। इट इज रियली वेरी ट्रू, जो बच्चा जो इंसान सिर्फ मुंह बनाकर घूमता रहता है, एक दो दिन आप लोगों को इम्पोर्टेंस मिलेगा, बाकी दिन लोग भागेंगे आपसे दूर। इसीलिए बोलते बी हैप्पी फील हैप्पी, क्योंकि अगर सैड रहोगे तो लोग यही बोलेगा भाई इसके लाइफ में प्रॉब्लम है क्या, सारा टाइम मुंह बनाकर घूमता रहता है, कितना बेकार आदमी है। तो यहाँ पे भी ये चीज बोला गया है, काम धाम वाला हो गया, उनकी आंखों में तैरती अवज्ञा और अनादर मन के भीतर की कोमलता पर तेजाब की लकीरें खींच देता। उनकी आंखों में तैरती अवज्ञा माने अनादर वर्ड के लिए बोल रहे, डिसओबे कोई करता है माने कोई से बात नहीं करता है या कोई ढंग से इसको ओबे नहीं करता टाइप्स, और अनादर भी इसका मतलब होता है अवज्ञा का भी। और नेक्स्ट में भी ये लिखे अनादर मन माने इसका आदर नहीं करता, इज्जत नहीं देता। अनादर मन के भीतर की कोमलता पर तेजाब की लकीरें खींचे जाते हैं, माने इसी की मन में क्या हो रहा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसका लग रहा है कोई आदर नहीं है, कुछ नहीं है। तेजाब एसिड को बोलते हैं, एसिड किसी के ऊपर गिरती है तो सब जल जाता है ना, वैसे इसको फील हो रहा है। और जब इसे सहा नहीं जाता तो बाहर पार्क में जा बैठता था, जब एकदम घुटन लगता था मनी मन एकदम बेचैन होता था तो मैं कहां जाता था, पार्क में जा बैठता था। 3-3, 4-4 घंटे पड़ा रहता, कहाँ पे पड़ा रहता, वहीं पे पार्क में। उठने को जी नहीं करता माने मन नहीं करता था उठने को, पड़ा पड़ा जाने क्या क्या सोचा करता था, वहीं बैठा बैठा पता नहीं मन ही मन क्या सोचता था, या तो वे बातें इतनी अधिक है कि मुझे याद नहीं है या कुछ भी नहीं सोचता, मतलब वो इतनी सारी बातें क्वांटिटी में इतनी सारी है कि मुझे याद नहीं मैं क्या क्या सोचता हूँ, या फिर उनका कोई महत्व नहीं है इसीलिए मुझे याद नहीं है। माने वो बताना चाहता है कि वो पार्क में क्या क्या सोचता है बट उसको याद नहीं है, या तो क्वांटिटी में इतने थॉट्स है कि याद नहीं है, या तो इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। अचानक जब इस बात का ध्यान होता है कि निरुद्देश्य पेड़ पड़े पड़े बहुत वक्त हो गया है तो पाव घसीटता घर आ जाता, वापस से दिल नहीं करता था फिर भी घर आ जाता था। घर में कौन आया कौन गया क्या हुआ कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं था। अपने कब ऐसे होते हैं जब अपने क्या बोलते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है डज नॉट मैटर, हम लोग को नहीं फर्क पड़ता है, वैसे इसको लग रहा है। मैम हाँ ध्यान आता है कि निरुद्देश्य, मतलब निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य, बिना कोई रीजन, बिना कोई वजह। फिर कहा है घर में कौन आया कौन गया क्या हुआ कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। लाख अपने पर झुंझलाता हूँ माने अपने आप को बोलता हूँ संभालता हूँ, पहले जैसे निश्चिंत बनने को तड़पता हूँ माने पहले एकदम फ्री था कोई फर्क नहीं पड़ता था, वैसे इसको बनना है। होता ना हम लोग बोलते हैं मैं अपने पुराने वाले को याद कर रहा हूँ, माने खुद ही जैसे मैं पुराना था वैसे मैं मिस करता हूँ, तो वैसे इसको लगता है। लेकिन बोझ है कि टलता ही नहीं, माने लाइफ में इतना बोझ है इतना बर्डन है कि जा ही नहीं रहा।
व्यर्थ व्यर्थ सारी जिंदगी मेरी बेकार है। लास्ट में सम अप करने के लिए क्या बोल रहे हैं, सब लाइफ वेस्ट हो गया। निर्थक और निरुद्देश्य रहे हैं वे दिन जो मैंने जिए हैं, और आगे वाले दिनों के सामने भयंकर अंधकार की दीवार खड़ी हो गई है। माने निरुद्देश्य, निरर्थक माने मीनिंगलेस, बिना उद्देश्य बिना रीजन है वो दिन जो मैंने जिए हैं, जो मैं जी रहा हूँ, और आगे वाले दिन फ्यूचर के दिन भी मुझे अंधकार जैसे दिख रहे। देखो डार्कनेस है, होप नहीं है, डार्कनेस है मतलब देयर इज नो होप, वहां कोई राह ही नहीं दिखता, लाइफ में आगे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, क्या करूंगा आगे। हर काम करने से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा इसे करके। माने लाइफ में एक जूस नहीं है, एक रस नहीं है, हर चीज में क्वेश्चन करता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऐसे कर रहा है। माने अगर उसका मीनिंगलेस काम है, होता है ना कुछ कुछ काम आनंद के लिए होता है, इंजॉयमेंट के लिए होता है, तो इसको वैसा कुछ नहीं रहा। इसको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि ये काम करके होगा क्या भाई, इसको होपलेस वाला फीलिंग है, मतलब इसके अंदर होपलेसनेस है। क्या फायदा, जैसे संसार की हर चीज निरलक्ष्य और अनावश्यक है। निरलक्ष्य माने बिना लक्ष्य, अनावश्यक माने जरूरी नहीं है, सारी चीजें ऐसी लग रही है। माने टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट जा रहे हैं, जब आप लोगों को मोक्ष चाहिए तो ऐसा ही फीलिंग आता है, हर एक चीज बेकार है, सोसाइटी में रहकर समाज में रहकर क्या होगा। जिंदगी के रस भरे स्पंज को जैसे किसी क्रूर मुट्ठी ने भींच कर निचोड़ दिया, स्पंज स्पॉन्ज के लिए बोल रहे हैं, जैसे लाइफ को पूरा निचोड़ दिया, सारा रस निकाल दिया, बस कुहासा है जो मन और आंखों के आगे छाया रहता है। माने डार्कनेस है, फॉग है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है हमें, सिर्फ वही आंखों के सामने है और आगे कुछ देखने को नहीं दे रहे, छाया है, और निरंतर एक बर्फीली सीलन से उन्हें निष्प्राण रखता है। निष्प्राण माने बिना प्राण, जैसे विदाउट लाइफ, अपने बोलते हैं ना लाइफ ही नहीं है, एज इफ नो एनर्जी, लाइफ माने एनर्जी, कोई प्राण ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है, ऐसे ठंडी पड़ी है। अपने विंटर को क्या बोलते हैं, डेड जैसा फील करते हैं, इजंट इट, समर इज वाओ, थोड़ा अच्छा लगता है, सनी सनी। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे जो सीलन बोलिए, बर्फीली सीलन माने कुछ कोल्ड, कुछ फ्रीज हो गया है, लाइफ में कोई एनर्जी नहीं है, कुछ फील ही नहीं दे रहा है, ये चीज है। एक बार इतना देख लो, फिर जस्ट लास्ट पोर्शन है, ये फोर्थ वाला बहुत लंबा है, जल्दी से देख लो, फोर्थ अपने कंप्लीट कर ले, फिर क्या बचेगा अपना, फिफ्थ तो छोटा है, नॉट दैट बड़ा। अपने ना रोज ऐसे ही कर लेंगे क्लास, थोड़ा लेट लेट समथिंग करके बेटर रहेगा। मैम इसको ये जो मैम इसको ये जो इतना दुख वुख हो रहा है, मतलब अब ये इतना चुप रहता है बिकॉज ऑफ मजबूरी, ये सब दो ही चीज के कारण हो रहा है ना, क्योंकि इसकी प्रभा से इतना बनता नहीं है, एक ये पॉइंट, एंड दूसरा कि घर वाले इसको इसका बात नहीं समझते और इसको आर्थिक स्थिति दिखाने में वो रहते हैं कि घर में कितना पैसा का तंगी, यही दो रीजन है। तो ये दो रीजन है, बट ये दोनों भी एग्जैक्ट रीजन नहीं है, इसका लाइफ एक मेस हो गया अगर ऐसे देखा जाए, मतलब अगर ऐसे कोई एग्जाम रिलेटेड आप बोलोगे तो ठीक है, बट अगर आप ऐसे देखोगे तो नहीं होता है। ओरिएंटेड लाइफ था, बोर्ड दे रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, सब कुछ सही चल रहा है, एक इसको शादी नहीं करना था, शादी करा दी, फिर वाइफ के साथ बिना रीजन झगड़ा हो रहा है, इसको पसंद नहीं है वो भी, क्योंकि इसको पता है लड़की का भी इतना कोई गलती नहीं है, एक छोटी सी चीज इतनी टन गई वाला चीज भी हो रहा है। सेकेंड चीज, वाइफ से बिना कोई बात हुए या उसका सोल्यूशन ही नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, वाइफ चली गई है, होता है ना, फिर कहीं ना कहीं टीनेज है, लड़की से शादी हो गया तो कहीं ना कहीं वो सब फील आ ही जाता है, वो मेरी पत्नी एंड एवरीथिंग, वो मिसिंग फैक्टर भी आ जाता है। सेकंड, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसको पढ़ने का बहुत इच्छा है, ठीक है, और घर की आर्थिक स्थिति तो है ही जीरो, घर में सब टॉर्चर करने वाले है कि इसको घर की स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही है। तो सारी चीज को मिला के आप सम अप कर सकते हो कि इसके साथ ये सब हो रहा है, इट्स अ मेसी सिचुएशन। एक चीज नहीं बोल सकते कि बीवी के कारण, घर के कारण, सब मेसी फीलिंग्स इसका वैसे हो गया, रोलर कोस्टर हो गया पूरा। अगर एग्जाम के लिए बोलोगे तो ऑब्वियसली दो रीजन है, बीवी चली गई है, शादी वादी हो गया टाइप्स, और सेकंड घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर में लोग तंग कर रहे हैं, पैसा कमा के दो एंड एवरीथिंग, इसलिए भी बोल सकते हो। ओके मैम, आप लोग का कल रात को भी हो जाएगा क्या?
हाँ मैम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रात रात को करके अपने खत्म कर लेते हैं जो अपना मेन क्लास है उस दिन। तो मैं सोच रही हूँ ग्रामर कराने का, लाइक थर्सडे एंड संडे सबके साथ जो है, संडे से पहले इनफैक्ट कराएंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम मंडे से है ना। Yes, तो आप लोग संडे तो नहीं कर पाओगे क्लास, जो कर पाओगे आई गेस फ्राइडे तक कर पाओगे, या सैटरडे भी कर लोगे। मैम फ्राइडे तक, फ्राइडे तक बेटर रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे चाहिए आप लोग को अपना अपना चीज के लिए। ठीक है, तो अपने देखते हैं कैसे क्या करेंगे, कल रात का तो फाइनल है करेंगे, बाकी मैं देखती हूँ ग्रामर ये सब बीच में भी घुसा दूं या समथिंग। एग्जाम भी लेना था मेरे, अच्छा एग्जाम तो एग्जाम से पहले ले लो, मतलब समझ लो आपके हिंदी एग्जाम के पहले मैं अपना जो लेना चाहती हूँ एग्जाम या आप लोग को चेक करना चाहती हूँ वो मैं ले लूंगी, है ना। एग्जाम अभी मैं नहीं घुसा रही हूँ बीच में, फिर उसके लिए कर लेंगे आप लोग के जस्ट एग्जाम के पहले। चलो आओ फटाफट करते हैं, और कहाँ है मैम। मैम ये इसका मीनिंग आप क्या बोली थी, अलहर वो निश्चित अलर्ट, देखो अलर्ट का बहुत होता है मस्त मौजी गुंडा टाइप्स होता है ना, जिद्दी, जो एकदम मस्त लड़के लड़के नहीं रहते, अपने ऊपर नोटिस करने वाले, अपनी चीजें देखने वाले, वो चीज। मैम डेमोक्लीज का मतलब क्या था ये, इसका मतलब इन दी सेंस के जो है ना, ये डेमोक्लीज की लटकती तलवार की तरह, माने एक ये कैरेक्टर वैसे बोल सकते हो कोई हिस्टोरिकल वैसे, कि उसकी तलवार जैसे लटकती है, इसको वैसे फीलिंग आ रहा है कि अब तो मैं बच ही नहीं सकता अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए या अपने इमोशंस के लिए। तो ये उस कैरेक्टर के हिसाब से बोला गया, इसका कोई एज इट इज कोई मतलब नहीं है, एक रेफरेंस के लिए बोला गया कि उसकी तलवार जैसे लटक रही है, देखो यह ना डेमोक्लीज की लटकती तलवार की तरह, तो वैसे यहाँ पे कैरेक्टर का वर्ड वो लिया गया। और किसी को कुछ पूछना है, कोमल, कोमल आपका तो हो गया ना शायद ये पोर्शन, नहीं कोमल तो पूछ रही है, श्रुति, श्रुति तुषार आप चुप हो बहुत, नहीं मैं क्लियर हूँ। चलो आगे आ जाओ, अनुभव करता हूं जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा मैं किसी चक्कर में उलझ गया हूँ, जो मेरी सारी जीवन शक्ति का अपहरण करके मुझे बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे फोक की तरह मेरे कंकाल को छोड़ जाएगा कि मैं खुद मर जाऊं। क्या समझ आया, तीन लाइन। अनुभव करता हूँ माने मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बोलो बोलो आप लोग भी कुछ बोलो बोलो चेतना। जैसे जैसे ही इज एक्सपीरियंसिंग की कोई मकड़ी का जाल है वो लाइफ, और वो उसमें फंस गया है, और वो जैसे मकड़ी जब मतलब कोई जाल में फंस जाता है तब वो जैसे जो इंसेक्ट है वो उसका सब टूट बैकबोन एंड एवरीथिंग टूट जाता है, वैसे उसके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो चेतना जो बोलिए वैसा ही है, क्या है कि उसको लग रहा है कोई जाल है, ठीक है, और वो मकड़ी है, उसका लाइफ वैसे ही फंस गया जाल के अंदर। जाल में क्या होता रहता है, मकड़ी क्या करता है, कभी ऑब्जर्व किया हो, अपने जालों में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, माने इसको समझ आ रहा है इसका लाइफ इतना मेसी नहीं है जितना ये क्रिएट किए जा रहा है, इजंट इट। ये अपने आप को मकड़ी के समान बोल रहा है, इसका लाइफ इतना मेसी नहीं है, मकड़ी जैसे खुद ही अपने इर्द गिर्द सारा जाल बनाता है, उसी में ट्रैप हो जाता है, सेम चीज इसके साथ हो गया। देखो, अनुभव करता हूं जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा मैं किसी चक्कर में उलझ गया हूं, माने उसी के बेड में उलझ गया हूं, जो मेरी सारी जीवन शक्ति माने लाइफ का एनर्जी का अपहरण, अपहरण माने किडनैप करना, मुझे बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे फोक की तरह मेरा कंकाल को छोड़ जाएगा कि मैं खुद मर जाऊं। माने लगता है कि भैया मेरा जो लाइफ है वो मेरे को पूरा तबाह कर दिया, इन शॉर्ट अगर आप लोग पूछोगे इसका मतलब क्या है, मेरा जो लाइफ है मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है, और जो बचा कुचा है ऐसा लगता है कि कोई या तो आके मार डालेगा या फिर मैं खुद ही मर जाऊंगा, मतलब ऐसा लग रहा है एक लाइफ का चीज कि सामने वाला है तो खुद आके मुझे मार जाएगा, सामने वाला माने परिस्थितियां सिचुएशन, या तो खुद मार जाएगा या मैं खुद मर जाऊं। माने वो 12th का बच्चा कितना टॉर्चर सह रहा है, माने टॉर्चर हो रहा है, समझो उसके मानसिक चीजों पर क्या क्या पड़ रहा है। देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि मेरी आंखों की ज्योति और होठों की मुस्कुराहट चली जा रही है, गलती जा रही है, लेकिन आखिर रोकूं कैसे, सब कुछ जा रहा है, सारी हैप्पीनेस जा रही है, आंखों की चमक, होठों की मुस्कान, एवरीथिंग इज गोइंग, बट मैं उसको कैसे रोकूं, कैसे पकड़ूं।
यह घर की चकचक या हमेशा अपने मन में किसी अपराध की ग्लानी और परिताप या धू-धू करता सपनों का लक्ष्य गृह। तीन चीज है, घर की चकचक, घर का इरिटेट माने घर जो चकचक करता है, बक बक करता रहता है, इसको इरिटेट करता रहता है, या हमेशा अपने मन में, देखो ये लाइन, अपने मन में उसको क्या फील होता है, अपराध की ग्लानी, गिल्ट है, ग्लानी इज व्हाट गिल्ट, परिताप है, पश्चाताप हो रहा है, किस चीज का होगा, लड़की को ऐसे मतलब जो भी उसकी बीवी के साथ ये सब हो गया, जो भी उसका रिलेशन खराब हुआ, यह धू धू करता सपनों का लक्ष्य गृह, सपना क्या, बोर्ड की एग्जाम, उसका लक्ष्य गृह टारगेट भी पूरा निकलता जा रहा है, धू धू कर कर जलता जा रहा है एज इट। तो तीन चीजें इसका दिया गया है यहाँ पर। कॉलेज के लड़के को देखता हूँ जो बात बिना बात हो करके जोर जोर से हंसते, आप लोग की तरह मीनिंगलेस विदाउट रीजन हंसते रहोगे, से लापरवाह रहते हैं, ऑब्वियसली इसमें परवाह क्या करना है, इतना यंग एज है, लापरवाह रहते हैं लोग, और कभी इसको बनाते हैं, कभी उसके मजाक करते हैं, इसको बनाते हैं माने बेवकूफ बनाते हैं, आप लोग नहीं करते हो, फ्रेंड्स लोग आपस में एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हो, कभी किसी को कुछ बोल दिया, मुझे लगता है इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता, ये चलती हुई लड़कियां पर आवाज कसना, इशारे करना, उनके टांगों के पीछे चक्कर काटना, या धर्मशालाओं में आकर ठहरी हुई सहायता मांगने आने वाली शरणार्थी औरतों के साथ के अपने झूठे सच्चे किस्से बखाना, बखानना मतलब यहाँ पे सारी चीजें बता रहा है, क्या क्या है, नंबर वन लड़की लोग पर आवाजें कसना, लड़की लोग को टॉन्ट करना, उनको इशारे करना माने लड़की छेड़ना, ठीक है, उनके टांगों के पीछे चक्कर काटना, टांगा गाड़ी याद है ना, टांगा गाड़ी वाला चीज है, उसके पीछे चक्कर काटते रहते हैं लड़के, या धर्मशाला, जो लोग पीजी वीजी में आती थी, धर्मशाला में आती थी, तो उन लोग के साथ फेक स्टोरी बताते थे, इसके साथ तो मेरा रिलेशनशिप है, ऐसा है वैसा है, बहुत लड़के होते हैं ना लड़कियों को बदनाम करते हैं, या अपने आप को टॉप मोस्ट दिखाने के लिए फेक स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो वो सारी चीजें करना, अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करना, या क्रिकेट के खिलाड़ियों की बहसें करना, मुझे सब एकदम नकली और झूठे लगते हैं, माने जो नॉर्मली टीनेजर्स करते हैं, बच्चे करते हैं, वही सारी चीजें हैं, गॉसिप करना, अभिनेता अभिनेत्री माने एक्टर एक्ट्रेस की चर्चा करना, क्रिकेटर्स के ऊपर कमेंट करना, सारी चीजें ये लोग करते हैं, बट लड़के को यहाँ स्टोरी के हीरो को सब क्या लगता है, वाहियात लगता है, उसको पसंद नहीं आते, लगता है वे सब लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका जिंदगी से कोई संबंध ना हो, माने वो इतना मच्योर्ड हो गया यार अपने एज के हिसाब से, नहीं आगे हो गया, बोलते हैं कि ये सब तो मीनिंगलेस है, मुझे पसंद ही नहीं है, क्या बातें करते हैं, इन सब पर मुझे झुंझलाहट भी आती कि ये लोग चुप क्यों नहीं बैठते, तुम इरिटेट और लोग गॉसिप करेंगे हंसेंगे तो तुमको इरिटेशन तो होगा कि यार ये लोग चुप क्यों नहीं रहते, क्यों दिन रात बड़बड़ करते हैं, क्यों बेवकूफी की तरह उछलते कूदते हैं, क्या फायदा इन बातों का, भाई मधुबाला संसार की सबसे सुंदर एक्ट्रेस सही और अशोक कुमार बुढ़ा होकर भी कमाल करता है, फिर तुम्हें उन सब से क्या लेना देना, ये बहुत ही पुराने जमाने का, इसीलिए मधुबाला और यहाँ पे क्या नाम है अशोक कुमार, ये लोग पुराने जमाने के एक्टर एक्ट्रेस है, तो उनका नाम लिया गया है कि तुम्हें क्या करना, एक्ट्रेस यंग हो, एजेड हो और आदमी बुढ़ा हो, तुम्हें क्या करना है, बंक करो ना, क्या फर्क पड़ता है, माना कि असली खेल की अपेक्षा उसकी रनिंग कमेंट्री लाख दर्जे रोचक होती है, और स्टालिन की लड़की की बड़ी बड़ी करतूतें खुल रही है, फिर आप आखिर क्या चाहते हैं, सब मिलकर बाहर का सारा जीवन निरानंद खोखला और अनावश्यक लगता है, माने यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑब्वियसली इट इज फन, रनिंग कमेंट्री पसंद आती है, जैसे क्रिकेट जो देखते हैं तो साथ में वो जो कमेंट्री है सब चलती है तो उसमें ज्यादा मजा है, या फिर कोई लोग कुछ कर रहे हैं और हम लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में आपस में उनके बारे में कुछ बोल रहे तो उसमें ज्यादा मजा है, बट इसको फिर भी लगता है कि ये सब घटिया करतूत करके क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, चाहे लोग जो भी कमेंट्री करें, किसकी लड़की क्या की, जो लिखा हुआ है ना स्टालिन की लड़की की बड़ी बड़ी करतूतें खुल रही है, माने जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके बच्चों का गॉसिप बोल लो, या अपने आस पड़ोस के बच्चों का गॉसिप बोल लो, तो उनका सुन के हमें फायदा क्या होगा, ये सबको बंक करना चाहिए, फिर आप आखिर क्या चाहते हैं, सब मिलकर बाहर का यह सारा जीवन निरानंद खोखला और अनावश्यक लगता है, अनावश्यक माने यूजलेस लगता है, बाहरी ये सारी बातें सुनना और इसको जीना यूजलेस लगता है, खोखला, बिना जूस बिना रस, कभी कभी इन लोगों से बड़ा रशक होता है,
क्यों नहीं मैं भी इन सब की तरह जी खोलकर हंस बोल सकता, माने इनसे जेलेसी भी फील होती है मुझे थोड़ी थोड़ी, क्यों? क्योंकि ये लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं हंस रहा हूँ, मैं इनकी तरह क्यों नहीं ये सब बातों में आनंद ले पा रहा हूँ। क्यों नहीं उछलकर रास्ते में पड़े सिगरेट के डिब्बे में किक लगाने की मेरा मन नहीं करता, होता ना लड़के लोग ऐसे किक लगाते हैं, मगर मैं करूं क्या, मन ही मर गया, मन मर गया माने अंदर में कोई शक्ति ही नहीं है, जीरो। कॉलेज के लड़कों से दिन रात मनहूस मनहूस सुनते सुनते लगता है जैसे मैं 20 साल और बुढ़ा हो गया, मतलब कम उम्र में ये क्या हो गया जैसे लगता है बहुत बुढ़ा हो गया, क्यों? इसके फ्रेंड्स इसको क्या बोलते रहते हैं, मनहूस मनहूस, वाई? क्योंकि अपसेट रहता है, सैड रहता है, एंजॉय नहीं करता। एक गहरी निराशा, सूक्ष्म किंतु व्यापक थकान मेरी रग रग में बैठा है। गहरी निराशा माने डिसअपॉइंटमेंट, सूक्ष्म माने आप फील कर पाओगे, एकदम पतला कोई ऐसा आपको दिख नहीं रहा, सूक्ष्म किंतु व्यापक थकान माने एकदम दिख नहीं रहे, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अंदर ही अंदर मैं बहुत थक गया हूँ, थकान है मेरे रग रग में बैठा है, पूरे अंदर अंग अंग में बैठा है। बादलों के पार लहराता यह भगवा ध्वज, भगवा किसको बोलते हैं बोलो, भगवा झंडा, ये सब अपने सुने बहुत है, व्हाट इज भगवा? मैम फ्लैग। भगवा कलर है, भगवा इज व्हाट, भगवा झंडा ऐसे सुने हैं, भगवा इज द कलर, कौन सा कलर होता है बोलो भगवा? मैम रेड होगा या तो ऑरेंज होगा। ऑरेंज ब्राउनिश वाला जो शेड होता है मिडिल, उससे रिलेटेड है, गुड। तो यहाँ भगवा इज दी वर्ड, मुझे दिन दिन क्या है, बादलों के पार लहराता यह भगवा ध्वज मुझसे दिन दिन दूर होता चला जा रहा है, लगता है सिनेमा देखे बरसों हो गए, विवाह के दिनों में एकाध देखा था, जाने कैसे मन में यह बात समा गई कि विवाह के बाद अम्मा बाबूजी से पैसे मांगने का अधिकार छिन गया है, निराश और हताश में अकेला पड़ गया। माने शादी से पहले माँ बाप पे हक बहुत रहता है, शादी के बाद तो ऐसे लगता है कि भाई माँ बाप से कैसे पैसे मांगू, तो ये मतलब इसको सिनेमा का शौक था ये भी पता चलता है। सेकंड चीज बोल रहे विवाह के दिनों में मैं मूवीज बहुत देखा, बट अब तो मुझे पैसे मांगने में भी क्या बोलते हैं झिझक होती है, सेकंड चीज मेरा मन भी इतना नहीं करता है ये सारी चीजें करने या देखने का। मैम बादलों वाला लाइन वापस से, बादलों के पार लहराता, बादलों के पार लहराता इज नथिंग माने टाइम इज फ्लाइंग, दूर से देख रहा हूँ जैसे सारी चीजें जाती जा रही है, फिर मुझे याद आता है मूवी भी कब देखा था, नहीं होता अपने पास को सोच रहे मैं मूवी भी कब देखा था, शादी के दिनों में देखा था, अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी हो गई है, माँ बाप पे मेरा हक नहीं है, आई कांट आस्क फॉर मनी उनसे, तो ये सारी चीज है। वे लाइन है बादलों के पार लहराता है भगवा ध्वज माने एक मेमोरी के लिए दिया गया कि टाइम पास होते जा रहा है, ठीक है? अच्छा निराश और हताश में अकेला पड़ गया, कभी कभी गीता पढ़ता हूँ तो क्षणिक शांति मिलती है, लास्ट में गीता ही नजर आता है, जब लाइफ में एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है तो लोग थोड़ी स्पिरिचुअलिटी ये सब में जाते हैं, तो गीता वीता पढ़ने लग गया तो उसको शांति मिलती है, बट क्षणिक शांति मिलती है, व्हाट इज क्षणिक, पल भर की शांति, नॉट हमेशा की, ठीक है? क्षणिक शांति मिलती है। मंदिर के एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता है, माने अपने ही मन में अकेले रहना है और अपने ही मन में कुछ सोच रहे तो उससे उसको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ ये रियलाइज कर रहा है, बस उसी समय लगता है जैसे मैं सब कुछ भूल कर आया हूं, बस ये दो मोमेंट है जब उसको बहुत अच्छा लगता है, गीता पढ़ते वक्त और मंदिर में अकेले जब वो बैठता है। दुश्चिंताओं और परेशानियों से फटती नसों का यहाँ का सुगंधित अग्रु धूम्र सहलाकर सुला देता है, सुगंधित अग्रु इज हल्का, यहाँ पे वो स्मेल का बात कर रहे हैं, जब एक वातावरण इतना अच्छा होता है वो धूपबत्ती या समथिंग स्मेल इतना अच्छा रहता है तो लगता है कि भैया मुझे बहुत पीस मिल रही है। अपने को नींद कब आता है, जब अपने गुस्से में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, जब अपने को पीस मिलता है, शांति मिलती है, राइट, तभी तो नींद आता है। तो यहाँ पे भी सेम है, ये जो अग्रु है वो क्या हल्का है, धूम्रा सैला माने जो अपना हवा में नहीं होता स्मेल पूरा फैल गया है तो लगता है उसको सुला देगा। हाँ लौटते समय लगता है जैसे फिर उसी काए काए वाली दुनिया में जाना है, काए काए वाली माने कौआ का काए काए अच्छा नहीं लगता ना, वैसे काए काए वाली वर्ड यूज किया गया, जहां मनुष्य कोल्हू में पेला जा रहा है, कोल्हू इज क्रशर, क्रशर में जैसे क्रश नहीं होते रहते वैसे क्रशर,
लेकिन एक घटना के बाद अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया, कुछ ऐसा हुआ कि ये मंदिर जाना छोड़ दिया, क्या हुआ? कमीज पजामा पहने एक निहायत ही कमजोर, माने कमीज पहना है पजामा पहना है, एक कमजोर सा मरा भिनकता सा पंजाबी शरणार्थी, माने कोई आया था पंजाबी मंदिर में घुस आया था और प्रसाद मांग रहा था, क्या मांग रहा था बोलो, प्रसाद, ठीक है। पुजारी जी ने बाहर बरगद के नीचे जलती धूनी की लकड़ी से उसे कुत्ते की तरह जैसे मार मार के भगाया। क्यों मारा, क्यों मारा, सोचो, पंडित जी ने उसे प्रसाद नहीं दिया, उसको मार मार के कुत्ते की तरह मारा और भगा दिया, क्यों मार? वही एक फूल खींचा वाली बात। गुड, तो सोचो ये सारी चीज हुई, तो ये क्यों जाता था, मन की शांति के लिए जाता था, परंतु ये जो इंसिडेंट हुआ तो उसको लगा कि मंदिर भी ऐसी जगह नहीं है जहां सबको रिस्पेक्ट मिल रहा है, सबको शांति मिल रही है, और ऐसी घटिया दृश्य हमें मंदिर में भी देखने को मिल सकती है। उस दृश्य से मेरे मन में कुछ फट गया, मैंने कुछ बदल गया, बोला मैं कुछ नहीं सिर्फ देखता रहा, कभी कभी बोलने की जरूरत नहीं होती है, अपने नोटिस करते हैं और मन ही मन अपना एक मन बना लेते कि बस दैट्स ऑल। उस दृश्य से मेरे मन में कुछ फट गया, बोला मैं कुछ नहीं सिर्फ देखता रहा, जैसे 6 मंजिल ऊपर से नीचे का दृश्य देख रहा हो, लेकिन मंदिर में वह मेरा अंतिम दिन है। जैसे दूर से, माने होता है ना कि अपने कब कमेंट नहीं करते, कब कुछ नहीं बोलते जब अपने दूर रहते हैं, तो लग रहा था 6th फ्लोर से कहीं दूर से ये दृश्य देख रहा हो, क्योंकि मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, इसीलिए मैं कुछ बोला तो नहीं, परंतु मन ही मन कुछ ऐसा मेरा मन में आया कि मन परिवर्तित हो गया, लगा भाई ठीक है अब मंदिर नहीं। मंदिर में उसका लास्ट डे था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मंदिर में कब लास्ट डे था, जब कुत्ते की तरह किसी पंजाबी को मारा, किसी मराठी को मारा, किसी उर्दू को मारा, ब्ला ब्ला, तो याद रखना पंजाबी को मारा गया, ठीक है। ये कुत्ते वर्ड नहीं देकर कोई और जानवर का वर्ड दे देगा, कुछ भी दे सकता है, कुत्ते की तरह मारा, शेर की तरह मारा, बकरी की तरह मारा, व्हाटएवर, तो याद रखना कुत्ते की तरह मारा। नेक्स्ट, हर क्षण ऐसा लगता रहता है जैसे सबने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया है। ये भी लाइफ का एक लेसन है, जब हमारा मन ठीक नहीं रहता है ना, लोग तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, दी ओनली थिंग यार कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लोग माने ये भी मेरा अच्छा नहीं चाहता है, वो भी मेरा अच्छा नहीं चाहता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, बल्कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे लिए सोचने के लिए। तो अगर अपने सोचते लोग क्या सोच रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ प्लान किया है हमारे अगेंस्ट, तो इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे इसको भी यही लगता था हर एक मोमेंट कि मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो रही है और मैं अकेला हो गया हूँ। सीधे मुझसे कुछ ना कहना, मेरे प्रति अपमानजनक उदासीनता दिखाना या ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना, मुझे दिन रात खाए जाता है, माने होता है ना, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली टॉन्ट आ रहा है, इशारों में पता चल रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सारी चीज। जैसे हर आदमी मुझसे उबा हुआ है, अपसेट है, उदास है, इरिटेटेड है, हर एक मुझसे घृणा करता है, नफरत करता है, सबके चेहरे पर मेरे लिए ही तीखा तिरस्कार है। बोलते हैं ना, जब तुमको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है ना, सेम फीलिंग तुमको लगता है सब लोग तुम्हारे प्रति करते हैं, मतलब समर खुद से दुखी है, समझ रहे हो, समर से और कोई दुखी नहीं है, समर खुद से दुखी है, इसीलिए उसको ऐसा फीलिंग आ रहा है। मुझे इससे डर लगता है, घर की ओर आते हुए विचित्र आतंक से मन धड़कता रहता है। मेरे विवाह ने आपकी आशाओं को पूरा नहीं किया, यह भी मेरा अपराध है क्या? विवाह की क्या आशा थी कि पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, औरत दहेज लेकर आएगी, ब्ला ब्ला, बट उनकी विश पूरी नहीं हुई, किसकी, घर वालों की विश, और बेचारे इस को लग रहा है कि इसमें मेरा ही अपराध है क्या, मैंने क्या किया इसमें। कभी कभी मन में बड़ी ललक उठती है, अम्मा मुझे बुलाकर कुछ पूछती क्यों नहीं। कभी कभी अपने कोई अपराध करता है ना, तो अपने को लगता है यार अपने पेरेंट्स काश अपने से पूछे तो मन हल्का हो जाए, बट जब कोई कुछ नहीं पूछता और हमारी गलती है, तो हमारे मन में और एक पिंच होता है कि यार क्यों सामने वाला पूछ ही ले कि ऐसा क्यों हुआ। भाई साहब की मेरी ओर देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती, माने भाई साहब इज बिजी इन हिज ओन लाइफ,
उनको फुर्सत नहीं है कि इसको देखे। बाबूजी के प्रति मेरा भय दिनों दिन रात चौगुना भरता ही जाएगा। माने इट्स अ क्वेश्चन मार्क, ऐसे तो मैं डरता ही हूँ और क्या, और भी डरता ही जाऊंगा क्या अपने पिता से, क्योंकि पिता से जाके भी कुछ नहीं बोल पा रहे। मैं प्रभा के बारे में जरा भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन घर में उसकी बुराई की कथा का कोई ना कोई अंश आए दिन कान में पड़ता रहता है। माने ये बोलता है कि मुझे नहीं सोचना उस लड़की के बारे में, बट फिर भी कुछ ना कुछ उसकी बातें घर में होती है। और कैसी बातें, बुरी बातें होती है। तो मन में हल्का विरोध उठता है, आ गया ही हो। माने जब लड़की के बारे में बुरा बोला जाता है तो ये इसके मन में, सामने तो नहीं बोलते तो मन में अगेंस्ट है ये, कि क्यों बोल रहे हो मेरी दीदी के बारे में, क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं है। सोचो जब इसकी प्रभा के बारे में कुछ बोला जाता है तो सोचता है क्या तुम लोग के पास काम नहीं है क्या, उसके बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा था कि मेरे पाँव में या चक्की बांधो, माने मैंने बोला था तुम लोग से मेरी शादी कराओ, ऐसे वो बोल रहा है। जाने कैसी घमंडी लड़की मेरे साथ मर दी है लाकर। फिर इसको गुस्सा भी आ रहा है, कोई घमंडी नहीं होती तो आज मेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा होता, तो कैसी घमंडी लड़की मेरे साथ बांध दी है। और सारा दोष भी मुझे मिल रहा है, माने बिना रीजन बिना गलती मुझे ही दोष मिल रहा है। अक्सर ही मैंने उसके चित्र को मन में दोहराया है और पाया है कि निश्चय ही उस सारे व्यवहार की जड़ में उसका अहंकार है। माने कभी कभी वो रिपीट करता है, वो उसके बारे में सोचता है कि वो सब जो भी इंसिडेंट हुआ उसके पीछे किसका किसकी गलती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उसकी अहंकार की, ईगो की, लड़की की। लेकिन जब भी टटसे होकर सोचता हूँ कि तो खुद ही पूछता हूँ, यह हो कैसे सकता है कि मेरी पत्नी 4 दिन मेरे घर रही और मैं उससे एक शब्द भी ना बोला। माने एक तरीका से तो लगता है भैया ईगो की गलती, और सेकंड और ये भी बोलता है बट उसकी कैसे गलती, मेरे घर में मेरी पत्नी 4 दिन रही और मैं ही उससे कुछ भी बात नहीं किया। तो उसको पता है कहीं ना कहीं गलती उसकी है, लड़के की है। और जब यह सब सहा नहीं जाता तो इच्छा होती कभी एकांत में बैठकर इतना रो कि बेहोश हो जाओ। क्यों बेहोश हो जाओ, क्योंकि उसको रियलिटी फेस नहीं करना है। और वह बेहोशी कभी ना टूटे, माने उसको उसी मोड में रहना है बेहोशी के हालत में। फिर भी मन में यह क्या कमजोरी है कि कामना करता हूं रोते समय तकिए का गंदा लिहाफ होठों में ना रगड़ा जाए, माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंभे से ना टिका हो, और गालों पर लॉन की सूखी घास ना चुपती रहे। नहीं जानता इनकी जगह क्या हो जो मुझे शांति मिले। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये चाहता है कि बेहोश हो जाए, ठीक है। बेहोश होगा तो किसी चीज का सहारा होगा ना। तो 3 चीज इमेजिन किया, क्या कि रोते समय तकिया का गंदा लिहाफ होठों से ना रगड़ा जाए। माने जब अपने रोते हैं तो अपना लिप्स क्या होता है, माने रगड़ा जाता है, isn't it? माने थोड़ा समझ गए होंगे तुम लोग, थोड़ा सा नहीं होता है, होता है रगड़ा जाता है टाइप्स। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं अगर मंदिर में वो नीचे रोए तो जो संगमरमर इज मार्बल, जो मार्बल का खंबा है वो ठंडा होता है, तो वो ठंडी चीज उसको फील होती है। या फिर अगर लॉन में वो सूखी घास पर सोता है तो भी वो घास गालों पर चुभती है, तो वो ये सोचता है कि ये 3 चीज ना हो बल्कि इस 3 चीज की जगह कुछ और हो। माने ये अपना सर कहीं और रखना चाहता है या ये कुछ और चीज लेना चाहता है। ये संगमरमर की ठंडी चीज भी नहीं लेना चाहता है, ये तकिए की वो जो तकिए से रगड़ती है हमारी होठ और समथिंग वो भी चीज नहीं फेस करना चाहता है। और एक चीज क्या था, लॉन में जो गीली घास है वो भी चुभाना नहीं चाहता है। माने किसका सहारा लेना चाहते है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। देखो नहीं जानता इनकी जगह क्या हो तो मुझे शांति मिले। आई डोंट नो कि इनकी जगह ये 3 चीज माने 3 चीज को क्या रिप्लेस करेगा कि मेरे दिल को क्या मिले, शांति मिले। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से भी पूछ सकते हो कि इसको क्या चाहिए कि इसको शांति मिले। तो यहाँ पे ये हो गया अपना 11:45 भी हो गया, तो अपना कितना खत्म हो गया गाइस, 5 ना, अपने को कितना और बाकी है, 10 तक करना है। एक बार कोई पेज कैलकुलेट करेगा क्या अपना 6 से 10 तक कितना है, 160 पेजेस। ओ सॉरी, अपने 4 में है तो अपने 5 में भी नहीं है, है ना? यस मैम, अभी 60 पेजेस और है।
60 डिवाइड करो 3 दिन में 60 अगर करना है तो कैसे करेंगे 20-20 पेजेस ना क्योंकि 3 दिन में खत्म करना है अब नहीं तो होगा कैसे वो भी अपना ग्रामर को छोड़े बिना 81 है सॉरी 81 है 81 थोड़ा बोलो 29 से लेकर 81 तक तो माइनस करो कितने पेजेस हैं पेजेस हुआ ना हाँ 52 पकड़ लीजिए 52 तो 60 पेजेस है तो अपना क्या है अच्छा 20-20 करेंगे तो होगा कूल देखते हैं ओके या तो सुबह रात समथिंग भी हो तो देखेंगे कल का आप लोग का कुछ स्केड्यूल है तो मुझे बता दो ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देख लूं अदरवाइज सब लोग फ्री हो कब लॉग्ड हो कल ट्यूसडे है कल मैं मोस्टली फ्री ही हूँ बस सुबह एक क्लास है वो शायद मैं नहीं करूंगी कल बस मॉर्निंग में स्कूल है ओके मेरा जहाँ तक इरादा है सती या फिर जो जो टॉपिक्स मैंने लिखा है ना नहीं है एक्चुअली बालू भैया का क्लास है तो उसमें रेशियो मेरा देखा हुआ नहीं है एक दो नहीं वो अनुष्का ने लिखा था उसका स्कूल है इसलिए मैं वो रीड कर रही थी मैसेज अच्छा मैं बोल रही हूँ ये चीज कि हाँ जिनको रिपीट करना है ठीक है लाइव में तो कल मॉर्निंग में जहां तक 10:30 ही पॉसिबल है मैं अभी आधे घंटे में मैसेज भेज दूंगी 10:30 एक क्लास हो सकता है चाहे वो पोएम हो या चैप्टर हो जहां तक सती मैं करा दूंगी तो जिनको सती करना है वो 10:30 अवेलेबल है ना सती जिनको एक बार अटेंड करना है बहुत लोग का आ रहा था सती के लिए मैम इवनिंग में होगा क्या एक्चुअली बाबू इवनिंग में तो अपना ये ड्रामा चलने वाला है मेरा सारा काश चलने वाले एक्चुअली अनुष्का मेरे को किसी को कराना है इसीलिए हम रिपीट ले रहे हैं तो जिनको तो मतलब इनडायरेक्ट वे में हेल्प मुझे लाइव ही लेना था 3-4 क्लासेस तो इसीलिए मैंने टॉपिक ग्रुप में पोस्ट कर दिया तो बहुत लोग को होता है ना लाइव में ज्यादा समझ आता है तो इसीलिए रिपीट होगा तो आप लोग भी आ सकते हो है ना और किसी का 12 बजे बर्थडे तो चलो हैप्पी बर्थडे गा के जाएंगे चलो आई डोंट थिंक सो किसी का बर्थडे है तो मिलते हैं अपने कल मोस्टली 10:30 सुबह और रात को अपना ये वाला क्लासेस रहेगा जब तक खत्म ना हो कल मैं देखती हूँ कल और जल्दी लेने का थोड़ा ट्राई करूँ तो ठीक है थोड़ा इवनिंग या और जल्दी ताकि इतना लेट ना हो तो अपने एक दो चैप्टर कर ले बीच में ब्रेक लेकर मैम कल आप आफ्टरनून से नहीं लेंगे मतलब 3 बजे से लेंगे क्या आप क्लास कौन सा क्लास ये वाला जो अभी अपने सारा काश कर रहे हैं हाँ मैम वो रात को ही होगा बाबू जहां तक है क्योंकि ट्यूसडे ये सब है ना मैंने जिस दिन आप लोग का स्केड्यूल नहीं मेरा और क्लासेस रहता है तो यही एक परफेक्ट टाइम है जब आप लोग भी अवेलेबल मिल जा रहे हो और मैं भी मतलब फ्री रहती ठीक है मैम एक्चुअली कल मैं ट्यूशन है इसलिए रात को नहीं मैम रात को नहीं है मैं मतलब